यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर टू मैनेजमेंट एज वेल एज पेपर नंबर टू कॉमर्स, दोनों की एक कॉमन यूनिट, दैट इज द बिजनेस मैनेजमेंट। तो पेपर नंबर टू अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, तो हमारे पेपर नंबर टू कॉमर्स में यूनिट नंबर जो सिक्स है, इस यूनिट नंबर सिक्स के अंदर बेसिकली तीन पार्ट है। मतलब ये यूनिट नंबर सिक्स जो है, इसके अंदर जो कंटेंट है उसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो है जी आपका बिजनेस मैनेजमेंट का, एक है जी आपका एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और एक है जी आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो तीन अलग अलग सेगमेंट जो है वो बने हुए हैं। और वही अगर मैं बात करता हूं पेपर नंबर टू मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का, तो उसके अंदर जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है, दैट इज अ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है? तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट का पोर्शन जो है वो आपका कॉमन है। तो बेसिकली अगर बात करते हैं दोनों बुक्स का, तो दोनों बुक्स के अंदर जो है वो एक टॉपिक जो है बिजनेस मैनेजमेंट का, वो दोनों के अंदर ही जो है वो क्या है, कॉमन है। तो उसको आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले बिजनेस कंटेंट का, तो अपने जो कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट का कंटेंट है उसमें टोटल मिला के 6 चैप्टर जो है वो हमने बनाए हुए थे। ये हमारे 6 चैप्टर थे, लगभग ये 200-250 पेज की बुक थी। तो इसके अंदर तीनों थे आपका ओबी, मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो मैनेजमेंट के जो टोटल कंटेंट था उसको हमने 6 चैप्टर्स के बीच में जो है वो क्या किया था, डिवाइड किया था, जिनके अंदर एक था आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का, एक था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन का, एक था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक था आपका मोटिवेशन उसकी थ्योरी सारी, एक था आपका लीडरशिप उनकी सारी थ्योरी, लीडरशिप के स्टाइल्स, और एक था आपका बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर, आज 6 चैप्टर जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं डिस्कस। वही अगर बात करता हूं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है, तो उसके अंदर, उसकी वैसे रिवीजन वीडियो हम लोग कर चुके हैं काफी चीजों की, लेकिन इसके कुछ टॉपिक लाइक आपका जो है बिजनेस, सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, फिर आपका 4 चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन हो गया, फिर उसके बाद में आपका 10 चैप्टर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, ठीक है? और आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर 2 टॉपिक है, एक है मोटिवेशन का और एक है लीडरशिप का। तो ये क्लास जो है वो दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं कोड नंबर 8 वाले उनके लिए भी है, और जो कोड नंबर 17 वाले मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो आज की क्लास बहुत ही रेलिवेंट होने वाली है। 2 क्लासेस जो है वो अभी रिवीजन की आएंगी, एक तो आज आ रही है और एक आएगी परसों। तो आज जो है वो हम डाल रहे हैं मैनेजमेंट का, और परसों आएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। ओके जी, तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारी आज के इस वीडियो को, तो जिसके अंदर हम लोग जो है वो कंटेंट करने वाले हमारा किसका, मैनेजमेंट का। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो क्या है। देखो, जनरली हम लोग ये बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो क्या है, दूसरों से काम करवाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट। ओके, लेकिन मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास में जो है वो 3 कॉन्सेप्ट आए थे, ठीक है? मतलब ये जो मैनेजमेंट जो टर्म है उसको अलग तरीके से लोग जो है वो यूज करते हैं, तो कहां कहां पे इसका यूज होता है, तो उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक बोलता है मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक डिसिप्लिन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन का, वो ये बोलता है कि मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली एक पढ़ाई है, ठीक है? एक अलग से विषय है जिसके अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो क्या है, पढ़ाई है। मैनेजमेंट इज अ स्टडी जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके प्रिंसिपल्स हैं, जो एक मैनेजर जो जिसको काम सौंपा गया एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने का, मैनेज करने का, तो वो इस स्टडी को जो है वो क्या करता है, गेन करता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन के तौर पे जो है वो मैनेजमेंट क्या है, एक पढ़ाई है, ठीक है? दूसरा, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों को क्या करना, लोगों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट। तो बोलते हैं मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन विच वी इंक्लूड ऑल दोज पर्सनल हु परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब यहां पे ये है कि किन लोगों को हम लोग जो है वो इस ग्रुप के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। तो बोलता है सबसे पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक होता है मैनेजीरियल स्टाफ, एक होता है नॉन मैनेजीरियल स्टाफ। मैनेजीरियल स्टाफ वो होता है जिसका मेन जिम्मा जो है वो क्या होता है, मैनेजमेंट करने का, और वो किसको मैनेज करता है, जो हमारे नॉन मैनेजीरियल स्टाफ होते हैं ना उनको वो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। तो सेकंड जो अप्रोच है जो ये बोलते हैं मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसका मतलब हो गया मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके अंदर हम लोग जो है वो दोनों तरह के पर्सनल्स को जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जो मैनेजीरियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कहां पे, ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एक है मैनेजमेंट ऐसे प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसे प्रोसेस जो है वो ये बोलता है कि मैनेजमेंट जो है एक अकेला कोई स्टेप नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कई सारे काम आते हैं, वो कई सारे काम मिल करके जो है, मतलब कई सारे स्टेप जो है जब आप उसको एक सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर वो बनता है क्या, प्रोसेस। अब प्रोसेस के लिए जो है हम यहां पे जो है वो ये देखते हैं कि प्रोसेस के अंदर जो है वो बेसिकली 3-5 तरह के जो है वो हम स्टेप्स को उठाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब बोलते हैं
चार ओरिएंटेशन आई थी, ठीक है, जो मैनेजमेंट के डेफिनेशन को जो है वो डिफाइन करती है। एक है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगा, वो एफिशिएंसी जनरेट कर देगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो है अगर आप मैनेजमेंट को लेकर आओगे तो मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर देगा, एफिशिएंसी जनरेट कर देगा। तो मैनेजमेंट क्या है, इज आर्ट ऑफ नोइंग। मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट एक कला है जिसके अंदर भी ये जानते हैं व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन सीइंग व्हाट इट इज दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, और फिर ये देखना कि क्या वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये है आपका प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो प्रोडक्शन या एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या बोलती है, ये बोलती है मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी को जनरेट करने का काम करते हैं। और कैसे करते हैं, तो बोलता है मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, और फिर ये देखना कि क्या वो बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी जो है वो है आपका डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन। डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन ये बोलती है कि मैनेजमेंट के अंदर हम सिंपली जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ग्रुप ह्यूमन बीइंग और द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड गोल। तो हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल है उनको अचीव करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग करते हैं। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। तीसरा है पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये क्या बोलती है, ये पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो ये बोलती है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सर किसका, पीपल्स का। तो लोगों का जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट। तो ये बोलता है मैनेजमेंट इज द अकॉम्प्लिशमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं रिजल्ट्स को थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल। मतलब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लोगों से काम करवा के जो है हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे गोल को पूरा करवाने का काम करते हैं। और जो लास्ट फंक्शन है, जो लास्ट डेफिनेशन है जो बोलता है मैनेजमेंट इज द फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, तो ये बोलता है मैनेजमेंट जो है उसको डिफाइन करेंगे ये कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल और एनालिटिकल पर्पस है एज डायरेक्ट प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मैनेजर जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, डायरेक्ट करता है, मेंटेन करता है और ऑपरेट करता है पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स लगा करके। अब ये जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो फंक्शन के अंदर आएगा आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आएगा। तो ये चार ओरिएंटेशन है, चार अलग अलग जो है वो रिस्पेक्ट के अंदर डेफिनेशन जो है प्रोवाइड की गई है। आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के अंदर जो है वो क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे आता है जी आपका प्लानिंग। तो मैनेजमेंट के अंदर जब भी आप मैनेज करेंगे तो जो मैनेजर है वो सबसे पहले क्या करेगा जी, प्लानिंग करने का काम करेगा, ठीक है। प्लानिंग जो है एक मेंटल प्रोसेस है जिसके लिए इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की जो है वो क्या है, रिक्वायरमेंट है। आप प्लानिंग के लिए आप क्या करते हो, मतलब प्लानिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि अपने को फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना है, मतलब फ्यूचर के अंदर अपने को क्या करना है, हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, उसको एडवांस के अंदर ही हम लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं गोल या ऑब्जेक्टिव को, फोरकास्टिंग करते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सर्च करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव एक्शंस को, और फिर उनके बेस पर प्लान को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसी प्रोसीजर को, और प्रिपेयर करते हैं शेड्यूल, प्रोग्राम एंड बजट। जब आपने प्लानिंग कर लिया तो अब आपका अगला जो फंक्शन होता है वो है क्या, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, मैन पावर और मटेरियल रिसोर्स को एक साथ लाने का काम करती है। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग मैन पावर और रिसोर्सेज को एक साथ लाने का काम करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो है वो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द मेंबर ऑफ द एंटरप्राइज। हम यहां पे बताते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली एक मैनेजर जो है जब वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किन किन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, फिर वो उन एक्टिविटीज को क्या करता है, ग्रुपिंग करता है, फिर वो क्या करता है, जॉब असाइन करता है एम्प्लॉइज को, फिर वो डेलीगेशन करता है अथॉरिटी किसको, सबॉर्डिनेट्स को, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब काम जो है वो आता है किसके अंदर, आपका ऑर्गेनाइजिंग में। आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया मतलब आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सेट तो कर लिया, अब आपको क्या करना है उस, मतलब आपने पोस्ट जो है वो डिसाइड कर लिया, ये पोस्ट होंगी, इस तरीके से काम किया जाएगा, ये डिपार्टमेंट्स होंगे। अब दूसरा जो फंक्शन आपका आता है, दैट इज अ स्टाफिंग। अब क्या करोगे, एस्टेब्लिश पोस्ट के ऊपर आप लोगों को रिक्रूट करने का काम करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग के अंदर बेसिकली एक मैनेजर जो है वो क्या करता है, एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को इन्वाइट करता है, फिर उनमें से उनको सिलेक्ट, जो बेस्ट होंगे उनको सिलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनका इंडक्शन करवाता है, उनको अप्रेजल करता है, उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करता है। अब इसके अंदर स्टाफिंग फंक्शन के अंदर एक मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा, मैन पावर का प्लानिंग करेगा, ठीक है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पर फिर वो एडवर्टीजमेंट करेगा और रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा, फिर लोग आएंगे, उसके बेस पर सिलेक्शन करेगा, प्लेसमेंट होगा, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, ये सब काम जो है वो आता है किसमें, स्टाफिंग में। अब स्टाफिंग आपका जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब आपने लोगों को लगा तो लिया, अब आपको उनको बताना पड़ेगा कि काम कैसे करना है, तो उसके लिए आएगा क्या, डायरेक्टिंग या लीडिंग फंक्शन। तो डायरेक्टिंग या लीडिंग के अंदर एक
ये बेसिकली क्या है, इट इज जनरली यूज टू एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो डायरेक्टिंग एंड लीडिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग डायनेमिक लीडरशिप। तो बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे सबोर्डिनेट्स को, कि आपको काम कैसे करना है। इसके अंदर एक मैनेजर जो है वो क्या करता है, ये सब फंक्शन को परफॉर्म करेगा, कम्युनिकेशन को वो करता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम किया जाता है, ठीक है। लीडरशिप करेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, और सुपरवाइज करेगा, बेसिकली ओवरसी करेगा उनकी फंक्शनिंग को। अब आपने ये सब कर लिया, लोगों ने काम कर दिया, आपने टाइमली बेसिस पे उनको जो है वो लीड भी किया, उनको मोटिवेट भी किया, उनको सुपरवाइज भी किया। अब आखिरी जो काम होता है मैनेजर का, दैट इज अ कंट्रोलिंग। तो लास्ट जो फंक्शन है, दैट इज अ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि प्लानिंग स्टेज के ऊपर हम लोगों ने जो प्लान्स बनाए थे कि क्या वो हमारे अकॉम्प्लिश हुए या नहीं। तो कंट्रोलिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट करते हैं स्टैंडर्ड्स को, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को, अप्रेज करते हैं परफॉर्मेंस का, एंड फिर हम लोग ये देखते हैं अगर पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर पूरे नहीं हुए, हमारे जो गोल्स है वो अचीव नहीं हुए, तो हम करेक्टिव एक्शन जो है उठाने का काम करते हैं। तो ये हमारे जो है वो क्या है, फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट के। इसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, अचीवमेंट करते हैं ऑर्डरली ग्रुप एफर्ट्स एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यू ऑफ द कॉमन पर्पस। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, ये एक मिक्स है किसका, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या क्या है, समन्वय हम बना के रखेंगे ना, तो वही क्या है, इसमें हम ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हैं ग्रुप एफर्ट्स को, ठीक है। इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन को सिक्योर करना। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है किसका, मैनेजमेंट का। अब आते हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या है, देखो बहुत सालों से जो है लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जो मैनेजर जो मैनेजमेंट करने का काम कर रहे हैं उन्होंने जो है वो कुछ जनरलाइजेशन किया, मतलब कुछ फैक्ट्स को जो है वो क्या किया, प्रूव किया। तो ये जो जनरलाइजेशन होती है ना, तो ये बेसिकली इनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये बेसिकली आपको गाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। ये रूल्स नहीं है और ये रिजिड नहीं होते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो बोलते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह पे इनको अप्लाई करेंगे। दे कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस, हॉस्पिटल, क्लब, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बता रहे प्रिंसिपल्स क्या है, तो प्रिंसिपल एक बेसिक स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करेगा अंडरस्टैंडिंग और गाइड करेगा थिंकिंग एंड एक्शन को। ये फंडामेंटल ट्रूथ है जो एक्सप्लेन करेगा रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट ऑफ वेरिएबल में अंडर ए गिवन सिचुएशन। बेसिक एलिमेंट जो है, मैं ये बेसिक एलिमेंट है मैनेजमेंट थ्योरी का, जो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में व्हाट वुड हैपन अगर प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स के लिए बेसिकली जो है वो क्या आएगा, जो क्यों जरूरत महसूस हुई, तो भाई प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो करें, तो सबसे पहले एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक एम्प्लॉई की या फिर वो एक मैनेजर की या फिर उनके सबोर्डिनेट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये एनालाइज करता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। इसके प्रिंसिपल्स की मदद से हम लोग जो है वो ट्रेन और डेवलप करते हैं मैनेजर्स को। ये इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को, रिसर्च को इंप्रूव करता है, अटेन करता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये सब हमारे जो है वो क्या है, फंक्शन है किसके, हमारे प्रिंसिपल्स के। तो जो प्रिंसिपल है वो क्यों जरूरी है, इन सब चीजों के लिए जरूरी है। आगे आप प्रिंसिपल्स के नाम पे दो हैं, एक है टेलर के प्रिंसिपल्स और एक है आपके फेयोल के। तो टेलर के जो है वो सबसे पहले आए थे, ये बोलते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं, इनका मेन कंसर्न है ये जानना, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। आप इसमें ये देखते हैं कि आप क्या लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि लोग क्या काम करें, और फिर ये देखना कि क्या लोग उसी काम को उसी तरीके से और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब क्या क्या एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, टूल्स क्या क्या है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनसे पहले आएगा उनके एलिमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या है, तो बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्लानिंग और डूइंग को जो है वो क्या करते हैं, अलग करते हैं। हम ये बोलते हैं कि प्लानिंग की जिम्मेवारी अलग लोगों के पास होनी चाहिए और काम करने की जिम्मेवारी अलग लोगों के पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल फॉरमैनशिप का, जिसके अंदर बेसिकली सुपरविजन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर बेसिकली जो है वो प्लानिंग इंचार्ज अलग बनाया जाएगा, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग बनाया जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस भी करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम जॉब को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जॉब जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर जॉब जो है उसके अंदर क्या काम करना है और उसको किस कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग जो है उसके अंदर ढूंढने का काम करते हैं। अब जॉब को एनालाइज करने के लिए हम लोग पहले टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कितना टाइम लगना चाहिए इसको पूरा करने में, मोशन स्टडी करते हैं क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, फटीग स्टडी करते हैं इसके अंदर, ये देखते हैं कि कितने रेस्ट की रिक्वायरमेंट है काम के दौरान। फिर ये बोलता है इसके अंदर आता है बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे स्टैंडर्ड्स के बेस पर,
ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड एडवांस में फिक्स कर दिए जाएंगे और फिर उनको अटेन करने का जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे होगा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, मतलब हम लोग जो है मेंबर्स को जो सिलेक्ट करेंगे, जो एम्प्लॉइज को सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, साइंटिफिक तरीके से होगा। एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये फिर इकोनॉमी मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है, मतलब ये बोलता है कि एडिक्वेट कंसीडरेशन टू देंगे इकोनॉमी को, मतलब काम सस्ते तरीके से करेंगे ताकि प्रॉफिटेबिलिटी अपनी क्या हो, अच्छी हो, और मेंटल रिवोल्यूशन लाने का काम करेंगे। और मेंटल रिवोल्यूशन कैसे आएगा, जब कोऑपरेशन होगा बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अब प्रिंसिपल कितने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, टोटल मिला के 5। सबसे पहला रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस, तो बोलता है हमको रूढ़िवादिता के स्थान पर जो है वो क्या करना चाहिए, विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, आपको लकीर का फकीर बनकर काम नहीं करना। सेकंड है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, जब भी आप वर्कर का सिलेक्शन करेंगे तो साइंटिफिक तरीके से करेंगे और उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो भी साइंटिफिक तरीके से करेंगे। आगे कोऑपरेशन है बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, ये बोलता है कि मैनेजमेंट को और लेबर को जो है वो एक दूसरे का क्या मानना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मानना चाहिए, एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि भाई एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। मैक्सिमम आउटपुट, अपने को फोकस करना चाहिए कि कुछ भी करके हम लोग जो है वो आउटपुट को क्या करें, इंक्रीज करें। इक्वल डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करना चाहिए, इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल थे किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, इसके बाद आया आपका फ्योल, तो जो मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है उनके जो रियल फादर है वो है कौन आपके, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो है उन्होंने अपना ये बताया कि एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो 6 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। एक है टेक्निकल, जिसमें आएगा प्रोडक्शन रिलेटेड, कमर्शियल जिसमें बाइंग सेलिंग हो गया, फाइनेंशियल जिसमें कैपिटल रेजिंग हो गया, सिक्योरिटी जिसमें प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सनल, अकाउंटिंग जिसमें स्टैट्स हो गया एक्सेट्रा, और एक होती है मैनेजीरियल। ठीक है, तो ये जो मैनेजीरियल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम करते हैं, तो उसने इसके बारे में जो है वो बताया। तो बोलता है जो ऊपर की 5 एक्टिविटी है वो तो वेल नोन है, तो उन्होंने बोल दिया कि ऊपर की जो 5 एक्टिविटी है, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, ये तो वेल नोन है। ठीक है, अब मैनेजर को अपना पूरा फोकस है उन 5 एक्टिविटी पे नहीं, बल्कि वो 6 एक्टिविटी पे करना चाहिए ताकि वो ऊपर वाली 5 एक्टिविटी जो है वो इफेक्टिव तरीके से वर्क कर सके। तो बोलता है पॉइंट आउट करते हुए इन एक्टिविटी को विच एग्जिस्ट इन द बिजनेस एवरी साइज, फ्योल ने ऑब्जर्व किया दैट द फर्स्ट 5 वर वेल नोन, कंसीक्वेंटली ही डिवोट मोस्ट ऑफ हिज बुक टू एनालाइज द 6th वन, दैट इज द मैनेजीरियल एक्टिविटी। तो फ्योल ने क्या किया, डिवाइड किया अपनी अप्रोच को स्टडी करने के लिए मैनेजमेंट का 3 पार्ट। सबसे पहले उसने बताया मैनेजमेंट क्वालिटी, एक मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और फिर बताया उसने उसके एलिमेंट, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है मैनेजमेंट, मैनेजीरियल क्वालिटी। तो बोलता है मैनेजमेंट करने की जिम्मेवारी होती है मैनेजर के, मैनेजर की, और मैनेजर के अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या, सबसे पहला फिजिकल क्वालिटीज जो है फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, मोरल जो है उसका बूस्टअप होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए, टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस। तो ये सब क्वालिटी अगर एक मैनेजर के अंदर है तो वो बढ़िया तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। इसके बाद आएगा जी फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो है वो 14 प्रिंसिपल्स जो है वो फेयोल ने जो है वो क्या किए थे, प्रोवाइड किए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो फेयोल ने जो प्रोवाइड किया उसमें सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने ये बोला कि आपको जो है पूरा काम एक ही पर्सन को नहीं करना चाहिए, काम को जो है वो क्या करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए, और लोगों के स्पेशलाइजेशन का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर आप क्या करोगे, अगर काम को बंटवारा कर दोगे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपा जाएगा, जिससे एक पर्सन अगर लगातार एक जैसा काम करता रहेगा तो उसको कंपनी को जो है उससे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अचीव होगा। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ये बोला कि जब भी आप किसी पर्सन को कोई काम सौंपते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको नेसेसरी जो है उसको पावर भी सौंपनी चाहिए, बोले तो आपको अथॉरिटी भी साथ में देनी चाहिए। आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आप दें तो दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए, पैरिटी होना चाहिए। तीसरा डिसिप्लिन, कंपनी के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस, आज्ञाकारिता को जो है वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो अगर काम पूरा करवाना है तो आपको एफर्ट लगाना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर क्या मेंटेन है, डिसिप्लिन। इसके बाद आता है जी आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक टाइम पे एक पर्सन को एक ही व्यक्ति से जो है वो क्या मिलनी चाहिए, कमांड मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। फिर आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये बोलता है कि एक जैसे, अगर मान लो एक प्लान है जिसका एक हेड है, तो मतलब वन प्लान वन हेड होना चाहिए, मतलब एक जैसे सिमिलर एक्टिविटीज जो होती है ना उनको उनके एग्जीक्यूशन का जो जिम्मेदारी है या उसको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी एक ही पर्सन के पास में होनी चाहिए। तो यूनिटी डायरेक्शन ये बोलता है कि डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, यूनिटी। फिर आपका सबोर्डिनेट होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपको जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी के बेनिफिट को जो है वो ताक पर नहीं रखना चाहिए, तो आपको उनको क्या करना चाहिए, आपको सबोर्डिनेट कर देना चाहिए। फिर रेमुनरेशन ऑफ द पर्सनल, आपको जो है अपने जो
बेसिकली जो पर्सोनल्स हैं उनको एडिक्वेट रेमुनेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है आपको ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, आपको इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, मतलब मेन पावर जो है डिसीजन मेकिंग की वो आप अपने पास रखें और बाकी को आपको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। फिर स्केलर चेन ये बोलता है कि कोई भी काम को पूरा करने की जो है वो क्या होती है चेन होती है, ठीक है। तो आप जो है वो उसमें क्या होना चाहिए बेसिकली भाई कौन किससे कम्युनिकेट करेगा उसके लिए प्रॉपर एक चेन जो है वो होनी चाहिए। तो स्केलर चेन जो है वो होती है किसके लिए, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के लिए, जो बताती है हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोवेस्ट पॉइंट तक बताएगी। तो एक पूरा चेन जो है वो आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई किसी से भी जाके जो है वो बात कर ले। फिर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ये है कि चीजों को और लोगों को जो है जहां उनकी जरूरत है वहीं पर उनको क्या करें प्लेस करें। फिर इक्विटी, इक्विटी के अंदर बेसिकली ये बोलता है इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन है, मतलब आप जो है वो क्या करेंगे जस्टिस मेंटेन करेंगे, मतलब सभी एम्प्लॉयज के साथ में एक जैसा जो है वो क्या करेंगे व्यवहार करेंगे। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर, मतलब आप कोशिश करेंगे कोई भी एम्प्लॉय जो है वो आप उसको निकालना, मतलब जल्दी ना तो आप निकालें ना ही वो छोड़ के जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो दूसरे नए एम्प्लॉयज के ऊपर जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फिर इनिशिएटिव, आपको लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए इंस्पायर करना चाहिए कि वो नए नए इनिशिएटिव जो है वो लें। एंड एस्पिरेट डिकोप्स, आपको जो है वो क्या करना चाहिए बेसिकली कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करके चलना चाहिए। इसके बाद में आया जी आपका ये टेल और फेओल के, टेलर और फेओल के जो प्रिंसिपल्स है उनकी क्या सिमिलरिटी है, सिंपल से और डिसिमिलरिटी एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे थोड़ा सा डिसिमिलरिटी बता दूं यहां से ना असम्प्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले टेलर का जो पर्सपेक्टिव था, टेलर का फोकस था शॉप लेवल फ्लोर पे, जबकि फेओल का जो पर्सपेक्टिव है वो किसके था मैनेजरियल लेवल के ऊपर था। टेलर का जो फोकस था वो था एफिशिएंसीज के ऊपर थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जबकि फेओल का जो मेन फोकस था वो था आपका ओवरऑल एफिशिएंसी के ऊपर। ओरिएंटेशन अगर बात करें तो टेलर का मेन ओरिएंटेशन था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ऊपर और फेओल का जो था मैनेजरियल फंक्शन। रिजल्ट की बात करें टेलर जो है वो क्या करता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट करता है रिजल्ट्स को, फ्यूल जो है वो क्या करता है पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ट्रांसलेट करता है इनटू द यूनिवर्सल ट्रूथ। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के बेस पर अगर बात करें तो टेलर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था वो था प्रोडक्शन लाइन पे, जबकि फ्यूल का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वो था किसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर। इसके बाद आएगा जी आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड। अच्छा ये ना ये डिफरेंस था एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में, ये थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो अब आएगा जी अगला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन की अगर बात करते हैं तो ये चैप्टर जो है वो क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। देखो हम लोगों ने जो है वो अभी मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखा और फंक्शन के नाम पे हमारे पास में पांच थे। सबसे पहले था प्लानिंग, प्लानिंग तो कर लिया आपने, प्लानिंग के बेस पर अब आप क्या करोगे ऑर्गेनाइजिंग करते हो। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली आप लोग जो है वो क्या करते हो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो क्या करोगे सेट करोगे, ठीक है ना। अब वहां पे पोस्ट को आप क्या करोगे बनाओगे। अब ये सब काम जो है ये आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं एस्टेब्लिश करते हैं पोस्ट को इन एन एंटरप्राइज, डिफाइन करते हैं रिलेशन अमंग देम। तो सबसे पहले पोस्ट को हम क्या करेंगे एस्टेब्लिश करेंगे, जो वेरियस पोस्ट हैं इनको क्या करेंगे एस्टेब्लिश करेंगे, और फिर इस पोस्ट का पहली वाली का दूसरे से क्या रिलेशन है, दूसरी का तीसरे से क्या रिलेशन है, तीसरी का चौथे से क्या रिलेशन है, इनको हम क्या करते हैं एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इसके अंदर हम लोग जो है पोस्ट को क्या करेंगे पहले एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, एक एंटरप्राइज में, और डिफाइन करेंगे रिलेशन अमंग देम और उनके बीच में क्या रिलेशन है इसको पूरा करने का काम करते हैं। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो पोस्ट को एस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, और रिलेशन मेंटेन करना वेरियस पोस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप टाइप के नाम पे अगर आए सबसे पहले आएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे मिलिट्री के अंदर होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलता है वहां पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो है वो क्या रहेगा बॉस रहेगा और उसके नीचे पूरी बटालियन रहेगी और वो उसके ऑर्डर्स को क्या करेगी फॉलो करेगी। तो यहाँ पे सिंगल हेड होगा जो क्या करेगा पूरे जो बटालियन या पूरे ग्रुप को जो है वो क्या करता है कमांड करता है। अब इसके अंदर एक आएगा प्योर लाइन, एक है जिसके अंदर क्या होगा कि इन दिस फॉर्म सिमिलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा पर्टिकुलर लेवल पे और हर जो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी सेल्फ कंटेंड यूनिट एंड इज ऑब्टेन टू परफॉर्म असाइंड एक्टिविटी विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर, इसको बोलते हैं प्योर लाइन। एक है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा हम लोग जो है वो क्या करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के बेस पर जो है वो क्या करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है वो सेटअप कर लेंगे। तो वेरियस डिपार्टमेंट हम लोग जो है वो बना लेते हैं और कैसे बनाएंगे डिपार्टमेंट सिमिलर एक्टिविटी के बेस पर। तो एक जैसा काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो क्या कर दिया जाएगा प्लेस कर दिया जाएगा और उन डिपार्टमेंट का एक पर्सन को जो है उसका डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट लाइन, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग जो डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द एक्टिविटी। इसके बाद आएगा जी आपका लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है लाइन
लाइन के साथ में, लाइन कौन होता है, लाइन स्पेशलिस्ट आएंगे जो बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्चुअल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उनको अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, और स्टाफ स्पेशलिस्ट जो होंगे ना ये करेंगे, ये लाइन को बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, अपना हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं अपना काम बढ़िया तरीके से करने के लिए। तो ये जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं इनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन ये बस क्या करेंगे, लाइन मैनेजमेंट वालों को जो है वो क्या करते हैं, उनको अपनी ड्यूटी को इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने में क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। अब इनकी जो इन्होंने जो बात बोली, इनकी जो रिकमेंडेशन थी, उसको मानना या ना मानना वो लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टाफ वाले, स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं ना जो एडवाइस देने का काम कर रहे हैं, ये कभी भी उनके ऊपर जो है वो मतलब उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, अब अलग अलग डिपार्टमेंट को क्रिएट कर देते हैं। तो बोलते फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे बाय द फंक्शन। एम्फेसिस होता है किसके ऊपर, सब गोल्स के ऊपर। पिरामिडिकल ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। लाइन एंड स्टाफ डिवीजन होता है। फंक्शनल अथॉरिटी रिलेशनशिप है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड लिमिटेड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है एंड द टोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये है फंक्शन के बेस पर अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स को हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। फंक्शन के बाद में आएगा आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या करती है, डिविजन के बेस पर जो है मतलब डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग डिविजन क्रिएट कर देंगे और हर डिविजन को जो है वो एक सेपरेट यूनिट के तौर पर, एक ऑटोनोमस यूनिट के तौर पर जो है वो क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, और उस डिविजन की जिम्मेदारी जो है वो अदर डिविजन के ऊपर नहीं होगी। वो जो डिविजन होगा, एक कंसर्न जो डिविजन है, उसमें सामान कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, एम्प्लॉइज को कैसे सर्व करना है, ये सब काम जो है उस डिविजन का ही रहेगा, कोई और डिविजन उसमें फिर नहीं करेगा। तो डिवीजन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन, बाय द न्यूमैन ने बोला, एंड अदर इज बिल्ट अराउंड बिजनेस यूनिट। इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा इनटू सेवरल फेयरली ऑटोनॉमस यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशन को आप अलग अलग छोटे छोटे जो है वो कई सारे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ईच यूनिट इज लिटिल सेल्फ कंटेंट, हर यूनिट जो है वो अपने आप में सेल्फ कंटेंट होगी, इन दैट इट इज द रिसोर्सेज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर डिवीजन। इसके बाद में था जी आपका डिवीजन के बाद में है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब एक कंपनी के पास में थोड़े से प्रोजेक्ट है लेकिन वो बड़े लेवल के हैं, तो कंपनी क्या करेगी, प्रोजेक्ट्स के बेस पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जो है वो मेंटेन कर देगी। तो एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो अलग डिवीजन को क्रिएट कर देगी, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अलग डिवीजन को क्रिएट कर देगी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर टेकिंग स्मॉल नंबर ऑफ द लार्जर प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास में थोड़े से हैं लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, है तो नंबर में थोड़े हैं, 3-4 ही प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही वाइडर प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के, तो वहां पे बेसिकली आपका जो है वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। तो ये थोड़ा देख लेना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहां काम करता है। इट इज ए वन टाइम टास्क एंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द सिंगल स्पेसिफिक गोल। ये एक इनफ्रीक्वेंट, यूनिक और अनफेमिलियर है टू द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। अनफेमिलिटी यूजली लेड्स टू द डिसएग्रीमेंट एज टू हाउ द एक्टिविटी शुड बी मैनेज। ये कॉम्प्लेक्स है एंड कॉल फॉर हाई डिग्री ऑफ द इंडिपेंडेंस चाहता है, एंड दिस इज अ हाई डिग्री ऑफ स्टेक इन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद अगला आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब आपके पास नंबर ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे ड्यूरेशन के हैं, तो वहां पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो रोल प्ले करता है, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या होगा, जब आपके पास में कई सारे प्रोजेक्ट आ गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार एक पर्सन को दूसरे प्रोजेक्ट पर मान लो किसी एक पर्सन को जो है वो एक प्रोजेक्ट पे आपने लगा दिया, उसने 2-3 दिन वहां से काम पूरा किया, फिर उसको दोबारा से जैसे काम अकॉम्प्लिश हो जाएगा तो उस पर्सन को आप दोबारा से उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या कर दोगे, भेज दोगे। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहां पे मैट्रिक्स को यूज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना जहां पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बहुत ही क्या है, लार्ज है, बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बट स्मॉल ड्यूरेशन के हैं, तो वहां पे आपका चलेगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो। अच्छा, ये ध्यान रखना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर दो बॉस होते हैं, एक तो आपका जिस वहां पे जाओगे आप, जिस भी मतलब जो एक कोई भी एक डिवीजन जो बना रखा है उसमें जाओगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, तो एक तो प्रोजेक्ट का बंदा रहेगा और एक आप जहां के हो, मतलब आप जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, तो एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आपका बॉस रहेगा, और दूसरा जब आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक बार के लिए जो है वो एक्स प्रोजेक्ट पे लगाया जाएगा, तो एक्स डिपार्टमेंट को जो हेड रहेगा वो भी आपका क्या होगा, बॉस होगा। तो इसमें एक टाइम पे दो बॉस के अंडर जो है एक पर्सन काम करता है। इसके बाद आएगा एक टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली जैसे एनवायरमेंट लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग एनवायरमेंट को की कंडीशंस को भापने के लिए या उसके ऊपर इंटरेक्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग जो है वो टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। टीम बेस के अंदर क्या होगा कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कई सारी नंबर ऑफ सेल्फ मैनेजिंग टीम्स बनाएंगे जो कोऑर्डिनेट करेगी मैकेनिज्म अमंग दीज टीम। एक होगा फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पे सुपीरियर सबोर्डिनेट का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब यहां पे कोई भी पर्सन जो है ना तो किसी का सुपीरियर होगा और ना ही किसी का सबोर्डिनेट होगा। तो ये होता है बेसिकली क्या, फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज, इसको नेचुरलिस्टिक ऑर्गेनिक या एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है और उसका जो बेसिक टास्क है ऑफ मैनेजर वो क्या है, फैसिलिटेट करना चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिक्वायर ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड adaptability. Many times free form organization is a form of rapidly changing adaptive temporary system organized around the problem to be solved by the group of people who may be stranger to each other and have diverse professional skill. So basically kya hai, in free form ke andar jo hai wo kya hota hai ki ek koi bhi problem aa gaya, us problem ka solution dhoondne ke liye ek organization structure bana diya jayega aur koi bhi person aake uske andar engage ho sakta hai. To yahan pe support superior subordinate ka relationship jo hai wo exist nahi karta hai. Iske baad ek aayega kya, virtual. Acha ye jo free जो ये था ना फ्री फॉर्म, इसके दो सेगमेंट है, एक है वर्चुअल और एक कौन सा बाउंडरलेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्परेरी नेटवर्क होता है, मतलब टेम्परेरी नेटवर्क किसका, इंडिपेंडेंट कंपनी का। तो अलग अलग कंपनी के लोग मिलकर के जो है एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को जो है वो क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो अलग अलग कंपनी के लोग होंगे, वो आईटी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, अपनी स्किल्स को शेयर करेंगे, कोस्ट एंड असेस को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करने का काम करते हैं। इसके बाद है बाउंडलेस। बाउंडलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये डीएम्फेसाइज करता है चेन ऑफ कंट्रोल को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को एंड रिजिड डॉक्यूमेंटेशन। इंस्टेड इट इज लिमिटलेस स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारे लोग भी जो है वो आ सकते हैं विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हायरार्किकल कंट्रोल। तो ये बाउंडलेस के अंदर बेसिकली क्या है, बोलता है इन द बाउंडलेस ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकल बाउंड्री को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू फ्लैटनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। स्टेटस और रैंक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्रॉस हायरार्की टीम्स जो हैं, विच इंक्लूड, जिसमें टॉप एग्जीक्यूटिव भी होगा, मिडिल मैनेजर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा सॉरी और ऑपरेटिव एम्प्लॉई होगा, एडॉप्ट पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और ये सारे लोग मिलकर के जो है वो एक साथ जो है वो डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, बाउंड्री क्या हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई है, ठीक है। और जब परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे तो 360 डिग्री जो है वो अप्रेजल सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और सभी लोगों से मिल करके जो है सभी लोगों के व्यूज लेंगे एक पर्सन के परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, उसको अप्रेज करने के लिए। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके बाद है फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसको डेलिब्रेटली क्या किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है खुद से जो है वो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेलिब्रेटली डिजाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो है वो चार पिलर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है लेबर का, स्केल एंड फंक्शनल प्रोसेस मेंटेन किया जाता है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसको डिजाइन कौन करेगा, टॉप करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट करती है मोर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी असाइन किया जाएगा टू ईच जॉब, हैव टू बी एडहेयर टू बाय द जॉब होल्डर। कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर एंड देयर कंट्रोल आर वेल स्पेसिफाइड थ्रू प्रोसेस, प्रोसीजर, रूल्स एक्सेट्रा। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो हो गया आपका फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होगा जो अपने आप से जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम डेलिब्रेटली जो है वो जानबूझ के मतलब क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल। जब लोग आपस में नेचुरली जो है वो एक दूसरे के साथ में जो है वो संपर्क में आ जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया नहीं जाता, ये एक नेचुरल आउटकम है एट द वर्क प्लेस पे, अपना भी बन जाता है। बोलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी, उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, उसके बेस पर वो स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेंगे। जैसे एक ही जाति से वो बिलोंग करते हैं या एक ही एज ग्रुप किया, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है मेंटेन हो जाएगा। मेंबरशिप जो होती है वो क्या होती है, वॉलंटरी। आपका मन करे तो आप इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हो, नहीं तो मत बनो। और बिहेवियर जो रहेगा मेंबर्स का वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बाय द ग्रुप नॉर्म, जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं, जो ग्रुप के रूल्स हैं उनके बेस पर वो डिसाइड होगा। इसके बाद में डिफरेंस जो है वो बता रखा है आपका यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल का। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लान बेसिस पे, और इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस अपने आप बन जाता है। पर्पस फॉर्मल को बनाया जाता है क्या करने के लिए, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव उनको पूरा करने के लिए, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनता है वो आपका सोशल इंटरेक्शन के लिए बनाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मल जो है वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डिफाइंड होती है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या, उसका नेचर कैसे, ऑफिशियल होता है और ये अनऑफिशियल है। फोकस की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर फोकस किया
किया जाएगा पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लोगों के ऊपर फोकस किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीड करेगा वो कौन होगा, सुपीरियर, और यहाँ पे कोई भी पर्सन लीड कर सकता है जिसके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोर्स ऑफ पावर क्या रहेंगे, डेलीगेटेड रहेंगे, लेकिन इनफॉर्मल में जो है वो पावर दिया जाएगा गिवन बाय द ग्रुप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आप कैसे बिहेव करेंगे वो डिपेंड करेगा रूल्स एंड प्रोसीजर के बेस पर, इनफॉर्मल में आप कैसे बिहेव करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके ग्रुप के नॉर्म्स के बेस पर, और फॉर्मल के अंदर आपको जो कंट्रोल की जो सोर्स है वो कहां से होगा, रिवॉर्ड या पनिशमेंट, और अगर इनफॉर्मल के अंदर सोर्स ऑफ कंट्रोल क्या है, सैंक्शंस। अब रीजन क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्यों बनाते हैं, मतलब किन रीजन की वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेटअप किया जाता है, तो सबसे पहले डिजायर टू सोशलाइज। इंसान जो है वो क्या करना चाहता है, अपनी सोशल जो उसकी नीड्स हैं या ईगो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। वो कैसे होंगे, लोगों के साथ में संपर्क बना करके, तो वो संपर्क बनाने के लिए वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करता है। दूसरा, उस साइकोलॉजिकल फटीग ऑफ द रूटीन टास्क, एक जैसा काम लगातार करते करते वो बोर हो जाएगा, तो इसलिए वो बोरियत को दूर करने के लिए लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेगा। हायरार्की कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, वो खत्म करने के लिए। वेरियस फंक्शन होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, लाइक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एक्सप्लोटेशन से बचना, तो इनके लिए भी हम लोग जो है वो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वर्किंग कैसे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम करता है, सबसे पहले अथॉरिटी स्ट्रक्चर, तो यहां पे जो है वो पर्सनल पावर जो है वो रोल प्ले करती है, पोजीशनल पावर का यहां पे कोई भी रोल नहीं होता। आप ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, आपके पास पर्सनल पावर कैसी है, क्या आप लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस चीज का यहां पे रोल प्ले करता है। लीडर जो है वो कैसे अपॉइंट होगा, लीडर जो है वो काम कौन पर्सन काम करेगा, ठीक है, तो पहले तो ये है, तो जो पर्सन जो है वो मतलब बेसिकली इनिशिएट कर सकता है वो लीडर होगा। तो यहां पे लीडर जो है वो ऐसा नहीं है कि लीडर बनने के लिए आपके पास कोई ऐसी मतलब जैसे मान लो कोई डिसाइड नहीं करके देगा आपको। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लीडरशिप जो है यहां पे लीडरशिप आपको जो है कोई डेलीगेट नहीं करके देगा। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी है तो आप जो है लोगों को क्या करोगे, लीड करोगे। और कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होगा, उसका कोई पाथ डिसाइड नहीं होगा, उनके खुद का जो है वो एक अपना ग्रुप नॉर्म्स होता है, उसके तरीके से आप जो लोग जो है वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अब डिफिकल्टी क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहला रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब ये है कि अगर मान लो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया तो फिर अगर आपने कोई चेंज लेकर आना है तो उसके लिए लोग एम्प्लॉइज है वो क्या करेंगे, मिल करके रेसिस्ट कर सकते हैं। रूमर्स है वो बहुत जल्दी इसमें क्या होता है, जनरेट होते हैं। रोल कन्फ्यूजन आता है लोगों को पता, क्योंकि इसमें कोई डिफाइन तो किया नहीं है तो लोगों को पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कन्फर्मिटी नहीं हो पाती है। एंड सोशल कॉस्ट, अब क्या अगर मान लो वर्क प्लेस के ऊपर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाएगा तो लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो ऑफिस टाइमिंग में बात नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बन गया तो वो ऑफिस टाइमिंग में बात करेंगे, तो जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है वो बैड इंपैक्ट पड़ता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाओ ना, वो तो बनाना बहुत जरूरी है और मैनेजमेंट को तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट को बल्कि मदद भी करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट अब जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को कैसे मैनेज करती है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, स्ट्रक्चर अप्रोच, आप जो है वो क्या करें, जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए ना तो वो आप इस तरीके से बनाए कि इनफॉर्मल भी साथ में जो है वो क्रिएट हो जाए, ताकि एम्प्लॉय बोर ना और वो बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्टिविटी के साथ में अपना काम करता रहे। और दूसरा, बिहेवियर अप्रोच, आपको जो है वो सॉफ्ट बिहेवियर अपनाना चाहिए, अगर इनफॉर्मल ग्रुप बन भी रहा है तो भी आपको उसके ऊपर जो है वो बैड तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो है वो फ्लेक्सिबल और अकोमोडेटिंग अप्रोच जो है वो क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। अब आ गया नीड क्या है, तो मतलब क्यों बनाते हैं हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्यों बनाना है, इनफॉर्मल तो पढ़ लिया भाई, सोशलाइज होने के लिए या मान लो गप्पे मारने के लिए हम लोग जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन फॉर्मल क्यों बनाते हैं, तो फॉर्मल बनाते हैं सबसे पहला मैनेजमेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कम्युनिकेशन का एक पाथ डिसाइड करने के लिए, ऑप्टिमम यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए और जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, इन सब काम के लिए हम लोग जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। लो जी, अब आएगा थर्ड चैप्टर, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की अगर बात करें तो अथॉरिटी क्या है, तो बोलता है निर्णय लेने की जो शक्ति अगर आपके पास में है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अथॉरिटी। अथॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, अधिकार। तो अथॉरिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अथॉरिटी में भी डिफाइन एज अ पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या है, अगर आपके पास में डिसीजन लेने की पावर है जो गाइड करती है एक्शन ऑफ द अनदर, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू इंडिविजुअल, एक सुपीरियर रहेगा और दूसरा जो है वो क्या रहेगा, सबॉर्डिनेट। सुपीरियर फ्रेम करेगा और ट्रांसमिट करेगा डिसीजन विद द एक्सपेक्टेशन दैट दीज विल बी एक्सेप्टेड बाय द सबॉर्डिनेट, एंड द सबॉर्डिनेट एग्जीक्यूट करेगा उन डिसीजंस को और कनेक्ट करेगा डिटरमाइंड बाय
एंड उसका जो काम है उसको कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा उस वो जिसके पास में अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी की अगर बात करते हैं उसके फीचर से ये पता चला, पहला एग्जिस्टेंस रहेगा राइट इन अथॉरिटी, अथॉरिटी में हमेशा आपके पास में क्या रहेगा, राइट रहेगा। दूसरा ये जो राइट रहेगा ऑफ गिविंग ऑफ ऑर्डर वो कैसा होगा, लेजिटिमेट होगा, मतलब एक तरह से जो है वो इलीगली आपको जो है राइट मिलेगा। अथॉरिटी जो है अथॉरिटी में आपको राइट मिलेगा डिसीजन मेकिंग करने का, एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है यूज ऑफ अथॉरिटी इज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट। आप सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कैसे मिलेगी, तो अथॉरिटी कैसे मिलेगी उसके लिए एक तो है फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी के अंदर आएगा सबसे पहला क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी तो ये बोलता है कि भाई अथॉरिटी जो है वो मिलती है आपको टॉप डाउन अप्रोच से, ठीक है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी रहेगी शेयर होल्डर के पास, फिर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर फॉरमैन और फिर वर्कर। दूसरी जो अप्रोच है वो है आपका एक्सेप्टेंस थ्योरी। ये बोलता है आपको अथॉरिटी कैसे मिलेगी, जब लोग आपको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, जब लोग आपको एज ए लीडर के तौर पर क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो इसका मतलब आपको क्या मिल गई है, अथॉरिटी मिल गई है, ठीक है। मतलब अगर लोगों ने आपकी बात को मानना शुरू कर दिया तो मतलब आपके पास में क्या आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी। इसके बाद में थर्ड है कॉम्पिटेंस थ्योरी। कॉम्पिटेंस थ्योरी ये बोलते हैं अथॉरिटी मिलेगी आपको ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटेंस। अगर आपके पास में पर्सनल कॉम्पिटेंस है, ठीक है, या आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं कुछ ऐसी, तो जिसके बेस पर लोग मानते हैं कि हाँ यार आप कैपेबल हो, तो आपको जो है वो अथॉरिटी मिल सकती है, लोगों के बारे में डिसीजन लेने की पावर आपको मिल सकती है। फिर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कोई ओनली ड्यूटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी टू विच पर्सन इज बाउंड, जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो क्या रहेगा, बाउंड रहेगा बाय रीजन ऑफ हिज स्टेटस और टास्क। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका मतलब होता है कंप्लायंस विद डायरेक्टिव ऑफ द पर्सन मेकिंग द इनिशियल डेलीगेशन। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो कैसे कैसे होगा, हम लोग जो अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकते हैं। अब अथॉरिटी का मतलब क्या है, डिसीजन लेने की पावर, ठीक है। आप उस अपने डिसीजन लेने की पावर को जो है वो लोगों को आप डेलीगेट भी कर सकते हो। मतलब आपने किसी को काम सौंप दिया, अब अगर काम सौंपोगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे किसी पर्सन को, तो उस काम को पूरा करने के नेसेसरी अथॉरिटी भी क्या करने की पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी को बोलता है डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। तो जो राइट आपके पास में था, आपने अपना वो राइट जो है वो किसी दूसरे पर्सन को जो है वो क्या कर दिया, सौंप दिया, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप बोलते हैं टू डेलीगेट मीन्स, डेलीगेट का मतलब जो है वो क्या है, टू ग्रांट और कन्फर। यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब होता है कन्फरिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू अनदर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द पर्टिकुलर असाइनमेंट। एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एक मैनेजर के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा जो है एक पावर दूसरे पर्सन को जो सौंपी जाती है उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन के फीचर तरह के, सबसे पहले डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, हम ऑथराइज करते हैं एक पावर किसको, टू द मैनेजर, ताकि वो एक काम को पूरा बढ़िया तरीके से कर सके। डेलीगेशन के ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसके अंदर जो है वो क्या होगा, एक तो पावर आपके पास, अगर आपने अपनी पावर किसी को सौंपी है तो वो पावर उसकी अभी भी आपके पास रहेगी, और जिसको सौंप दी उसके पास भी पावर रहेगी। तीसरा, अथॉरिटी वंस डेलीगेट कैन बी एनहांस। एक बार अगर आपने किसी पर्सन को पावर जो है वो दे दिया तो उसको एनहांस, रिड्यूस या विड्रॉन भी किया जा सकता है। आगे अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज टू द पोजीशन क्रेडिट टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आगे मैनेजर जो है वो डेलीगेट करेगा अथॉरिटी आउट ऑफ द अथॉरिटी वेस्टेड इन हिम। जितनी पावर आपके पास है आप उसी को आगे डेलीगेट कर सकते हो, जो पावर आपके पास नहीं है आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। डेलीगेशन अथॉरिटी में भी स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जनरल भी हो सकती है कई सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आप डेलीगेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे रिजल्ट एक्सपेक्टेड, आप ये देखोगे कि क्या रिजल्ट चाहिए। फिर आप लोगों को सबसे पहले क्या करोगे, असाइन करोगे ड्यूटीज, आप उनको ड्यूटी दोगे भाई ये काम पूरा करना है। फिर ड्यूटी को पूरा करने के लिए आप उनको ऑथराइज करोगे, मतलब उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करोगे, और फिर उनकी ऑब्लिगेशन, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। अब प्रिंसिपल डेलीगेशन, डेलीगेशन करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब मतलब जब अगर आपको डेलीगेशन करना है तो इफेक्टिव डेलीगेशन के क्या क्या काम करना चाहिए, सबसे पहला है आपका डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड, मतलब आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करके ही आपको जो है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहिए। दूसरा, फंक्शनल डेफिनेशन जो है वो ये बोलती है, फंक्शनल डेफिनेशन में हम लोग डेलीगेशन करते हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी को क्लासिफाई, ग्रुप किया जाता है डिपार्टमेंट में, और हर डिपार्टमेंट को उसका काम सौंपा जाता है। तीसरा, डेलीगेशन में क्लैरिटी होना चाहिए लाइन ऑफ अथॉरिटी का। चौथा, लेवल ऑफ अथॉरिटी आपको पहले बता देना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करोगे, सौंपोगे काम के साथ में, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए, ना तो अथॉरिटी ज्यादा हो ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो। आगे क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब जब आप इफेक्टिव डेलीगेशन करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती है, तो सबसे पहला सुपीरियर से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहला लव फॉर अथॉरिटी, सुपीरियर जो है उसको वो अपनी पावर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और अगर वो पावर से जो है वो प्यार करता है तो नेचुरल बात है कि वो ये चाहेगा कि यार मैं अपनी पावर दूसरे पर्सन को सौंपूं ना, तो ये एक प्रॉब्लम आती है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ टाइट कंट्रोल, कई बार जो है हम जो है वो टाइट कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं, और इसके लिए अगर टाइट कंट्रोल मेंटेन करना है तो आप पावर सारी अपने पास ही रखना चाहते हो।
फिर स्फीयर ऑफ सबोर्डिनेट, आपको ये लगता है कि कभी यार हमने अगर पावर सबोर्डिनेट को दे दिया तो वो हमारी पोजीशन ना ले ले, ये भी एक डर होता है। फियर ऑफ एक्सपोजर, कई बार आप जो है आपने अपने जॉब पे रहते हो बहुत सारे पंगे कर रखे हैं, अगर आप पावर दूसरे को सौंप दोगे तो आपको ये डर सताता है कि अगर यार ये पंगे लोगों के सामने अगर उजागर हो गए तो मेरी जॉब जा सकती है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द सबोर्डिनेट, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है वो सबोर्डिनेट्स को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड होता है और हम ये मानते हैं कि यार अगर उनको पावर दे दिया तो वो ज्यादा हमारे सर पर नाचेंगे, इसलिए। एंड पर्सनैलिटी ऑफ द सुपीरियर, और अगर सुपीरियर जो है वो ऑटोक्रेट नेचर का है तो सारी कंट्रोल वो अपने पास ही रखना चाहता है, लोगों से अगर राय भी नहीं लेता। तो ये कुछ वजह हैं जो एक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। अब कुछ एक दिक्कतें हैं डेलीगेंट्स की रिगार्डिंग भी, सबोर्डिनेट की रिगार्डिंग भी। अगर मान लो सबोर्डिनेट ऐसा है जिसको थोड़ा सा जो है वो क्या आलोचना का भय है, मतलब उसको लगता है कि यार अगर मेरे को अगर पावर मिल गई मैं ढंग से उसको पूरा नहीं कर पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस किसके अंदर कमी है या रिसोर्सेज नहीं है उसको काम को पूरा करने के लिए, या पॉजिटिव इंसेंटिव उसको नहीं मिल रहा है, और या वेयर देयर सुपीरियर इज इजली अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन देयर पार्ट। तो ये कुछ दिक्कतें हैं किसके पार्ट पर, सबोर्डिनेट के पार्ट पर। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स भी हैं, मैनेजमेंट की फिलोसफी कई बार ऐसा होती है, मैनेजमेंट जो है वो ओनली, कुछ मैनेजमेंट ऐसी होती है जो ओनली सेंट्रलाइजेशन पे काम करती है, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट ये बोलते हैं कि सेंट्रल लेवल पे लिया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट ही लेगी, तो वो अथॉरिटी को कभी भी जो है डेलीगेट नहीं करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपकी इफेक्टिव डेलीगेशन अथॉरिटी को जो है वो क्या करते हैं, हिंडर करने का काम करते हैं। मेजर्स क्या क्या है इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए, अगर आपको प्रॉपर डेलीगेशन करनी है तो उसके लिए आप क्या क्या करें। सबसे पहला, मेकिंग द पोटेंशियल डेलीगेटर फील सिक्योर, सबसे पहले डेलीगेटर को सिक्योर फील करें कि भाई अल्टीमेट पावर तो आपके पास ही रहेगी। अवेयरनेस क्रिएट करें। तीसरा, डिटरमाइन करें डिसीजंस को एंड टास्क टू बी डेलीगेटेड। चौथा, एस्टैब्लिश करें कंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को। एंड पांचवा, चूजिंग करें डेलीजेंट वाइजली, मतलब जिसको सबोर्डिनेट जिसको आपने पावर देनी है उसको जो है वो बढ़िया तरीके से आप क्या करें, पहले उसको सिलेक्ट करें ताकि मतलब वो काम भी पूरा कर पाए। फिर ट्राइंग डेलीगेशन विद द प्लानिंग के साथ में आप उसको डेलीगेट करें। डेलीगेट करें अथॉरिटी फॉर द होल जॉब, डेवलप करें एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक, एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है वो अपने को देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अथॉरिटी बेसिकली क्या थी, अथॉरिटी का मतलब था राइट, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या ड्यूटी। अथॉरिटी राइज होती है बिकॉज द फॉर्मल पोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज होती है ड्यू टू द सबोर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप। अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं सबोर्डिनेट को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। अथॉरिटी हैज गॉट मच लॉन्गर पीरियड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्परेरी है, एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो काम पूरा हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब एक टर्म आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये जुड़ा हुआ है आपकी किससे, अथॉरिटी से, बेसिकली डिसीजन लेने की पावर से। अगर सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सेंट्रल लेवल पे लिए जाएंगे, मतलब जितने भी डिसीजन है वो सारे सेंट्रल लेवल पे लिए जाएंगे, मतलब डिसीजन को आप कभी भी जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे। और डिसेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो आप क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, कुछ डिसीजन को छोड़ के बाकी सारे डिसीजन जो है वो लोगों को बोल देंगे कि आप इनके बारे में डिसीजन ले सकते हो। ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन काम करता ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है, बल्कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन जो है हमेशा वर्क करता है। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि आपके पास आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है जो मेन काम है उसकी वो सारी पावर, मेन काम को डिसाइड करने की सारी पावर आपको अपने पास रखनी चाहिए और बाकी सारी आपको चाहे डेलीगेट कर दो। इसके बाद है जी कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना ऑर्गेनाइजेशन साइज ज्यादा होगा उतना डिसेंट्रलाइजेशन आप क्या करोगे, ज्यादा करोगे, लोगों का काम ज्यादा सौंपोगे। हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर मैनेजमेंट की फिलोसफी, इसके बेस पर डिपेंड करता है, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो उसको अगर पावर का शौक ज्यादा है, टॉप लेवल वाले ये चाहते हैं कि पावर हमारे पास रहे, तो डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा। मैनेजर अगर ज्यादा अवेलेबल है डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। पैटर्न ऑफ प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंट्रोल टेक्निक, अगर मान लो आप जो है वो क्या करते हो कि कंट्रोल अगर ज्यादा मेंटेन करना चाहते हो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कितना होगा। अब रैशनली क्या है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो आपके पास में टाइम ज्यादा बच जाएगा, मतलब आप एज ए मैनेजर के तौर पे जब आपने अपनी बहुत सारे काम जो है वो लोगों को सौंप दिया, उनको काम को पूरा कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग पावर भी आपने अगर उनको दे दी, तो अब आपके पास में टाइम स्पेयर बच जाएगा अदर एक्टिविटीज के लिए। तो क्या क्या फायदा, सबसे पहला बर्डन जो है टॉप मैनेजमेंट का रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, ये फैसिलिटेट करता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन। ये गुड फिलोसफी है टू मोटिवेट द मैनेजर। ये एनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर को। ये एम्फेसाइज करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और ये पॉइंट आउट पिन पॉइंट करता है मोर एक्यूरेटली ऑन द रिजल्ट टू बी अचीव को, ठीक है। लेकिन कुछ ये भी है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन को अगर प्रॉपरली नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो चाओस क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे जो है वो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर देयर इज अ मोर नीड फॉर द गुड मैनेजर, अच्छे मैनेजर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिस्टम को पूरा मैनेज करने में। एंड डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमी गिवन टू द मैनेजर। अब अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव करना है तो आप उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, तो सबसे पहला सेंट्रलाइज टॉप पॉलिसी एंड
कंट्रोल, मतलब टॉप पॉलिसी और कंट्रोल को सेंट्रलाइज लेवल पे ले आओ, बाकी सारा काम चाहे डिसेंट्रलाइज कर दो, लेकिन जो मेन पॉलिसीज हैं वो जो है वो टॉप मैनेजमेंट को खुद को लेनी चाहिए। एप्रिशिएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, आपको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर को इस तरीके डेवलप करें ताकि वो इफेक्टिव तरीके से जो है वो अपने काम को आगे डेलीगेट भी कर पाए। एंड कॉम्पिटिशन होना चाहिए अमंग यूनिट्स, तो आपको अलग अलग यूनिट्स में कॉम्पिटिशन क्रिएट करना चाहिए, जिससे हर यूनिट को ये हो कि भाई हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमारी अच्छी जो है वो क्या होगी, पूछ होगी। ये फिर ये दोनों में डिफरेंस दे रखा है, एक बार देख लेना। फिर आएगा जी आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये बताता है कि एक एम्प्लॉई या एक एक सुपीरियर जो है वो कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इट रेफर टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट हु कैन बी मैनेज इफेक्टिवली बाय द सुपीरियर। तो एक सुपीरियर के द्वारा कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को जो है इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कैसे डिटरमिन करेंगे, तो तीन तरीके हैं, एक है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप के बेस पर, एक है डायरेक्ट ग्रुप, और एक है कौन सा, क्रॉस रिलेशनशिप के बेस पर, सिंपल सा। फिर है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसे इफेक्ट होगा, मतलब एक एम्प्लॉई, देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पहले तो बोल कह रहा है, पहले ये बताओ सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ने ये बोला कि एक टाइम पर एक मैनेजर जो है वो कितने लोगों, कितने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब कितने लोगों को मैनेज कर सकता है वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर के बेस पर, सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ द सुपीरियर, अगर सुपीरियर जो है उस वो कैपेबल है, अगर सुपीरियर जो है वो क्या हाईली कैपेबल पर्सन है मान लो, तो वो ज्यादा लोगों को भी क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, अगर सबॉर्डिनेट ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बहुत ही समझदार हैं तो, और उनको ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत भी नहीं है, तो वो आप जो है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है ज्यादा भी कर सकते हो। अगर नेचर ऑफ वर्क जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने तो ज्यादा लोगों को आप एक टाइम पे मैनेज कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री जितनी ज्यादा रहेगी उतना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, ज्यादा। डिग्री ऑफ प्लानिंग, अगर प्लानिंग इससे करोगे तो फिर क्या स्पैन आप ज्यादा कर सकते हो। कम्युनिकेशन टेक्निक अगर बढ़िया फॉलो करके चलोगे तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा रहेगा। यूजर स्टाफ असिस्टेंस भी अगर आपको मिलता रहेगा तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा रहेगा, और अगर बाकी लोग भी अगर सुपरवाइज करेंगे तो क्या होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हो। अब एक है आपका वाइड नैरो स्पैन और एक है आपका क्या, वाइड स्पैन, ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। तो वाइड नैरो स्पैन जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉल स्ट्रक्चर, और जो वाइड स्पैन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैट स्ट्रक्चर। ओके जी सर, एक बार देख लीजिएगा इसको, टॉल और फ्लैट वाला ये दे रखा है, ठीक है ना। तो टॉल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पे ज्यादा मैनेजर की जरूरत रहेगी लोगों को क्या करने के लिए, आपको मैनेज करने के लिए, और जबकि फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपको कम मैनेजर की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके जी सर, चलो आगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है वो है आपका मोटिवेशन। बात करेंगे पहले मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम जो है वो लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो ही वो लोग जो है वो आगे जाके क्या करेंगे, काम करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपने ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा उनको, जो है वेरियस इंसेंटिव आप लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उनके बेस पर जो है आप उनको क्या करोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन जो वर्ड है वो आया आपका मोटिव से, मोटिव का मतलब जो होता है हिडन विल, तो लोगों की जो हिडन विल है, ठीक है, लोगों की जो नीड है, आप उस नीड को पहले देखोगे उनकी नीड क्या है, फिर उस नीड को पूरा करने के लिए आप उनको क्या करोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है ना। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है जो स्टेट करते हैं कीपिंग ए पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन इज समथिंग जो मूव करते हैं पर्सन को एक्शन मिलाने के लिए एंड कंटिन्यू हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ जो नीड है वो कैसे है, तो नीड तीन तरीके से, एक है आपका प्राइमरी नीड, एक है आपका सेकेंडरी, और एक है कौन सा, जनरल। तो प्राइमरी नीड के अंदर आएगा बेसिकली कौन सा, इसको अनलर्न नीड बोलते हैं, ये एनिमल ट्राइज है, ये असेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे आपका साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड हो गया या बेसिक नीड हो गया, तो इसको ये है आपका कौन सा, प्राइमरी। प्राइमरी नीड अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद में आता है कौन सा आपका, सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड जो होती है वो होती है क्या, लर्न नीड होती है, या इसको जो है वो हम लोग डिराइव नीड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका नीड फॉर पावर हो गया, अचीवमेंट हो गया, स्टेटस हो गया, और एक आती है आपका जनरल नीड। जनरल नीड के इन दोनों नीड के अलावा जो नीड है वो है कौन सा आपका, जनरल नीड, ठीक है। ए नीड मस्ट नॉट बी लर्न बट एट द सेम टाइम इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जनरल नीड। इसके बाद आएगा कंसीक्वेंस, अगर आपकी नीड जो है वो फुलफिल नहीं होगी तो फिर क्या कंसीक्वेंस होगे, सबसे पहला एक्सेलेंट विड्रॉल, या तो आप कंपनी को छोड़ के चले जाओगे, या फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, या फिर अपैथी, आप उदास होगे। अगर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा तो क्या आएगा, गुस्सा आएगा, अग्रेशन आएगा। अब अग्रेशन या तो क्या होगा, खुद के ऊपर निकलेगा,
ठीक है, हमेशा खुद को एक बुरा मानते रहोगे या दूसरे के ऊपर निकालोगे, दूसरे पे निकालोगे तो या तो निकालोगे किस पे, एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयर को धर दोगे, या फिर निकालोगे अदर्स पे, अदर्स पे, या तो किस पे निकालोगे, पर्सन पे या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट पे निकालोगे मतलब उसको तोड़ तोड़ के रख दोगे किसी भी सामान को, या पर्सन पे मान लो बच्चों को पीटोगे, वाइफ को जाके पीटोगे, ये सब, तो ये है आपका क्या, अगर आपकी नीड फुलफिल नहीं होती है। इसीलिए एक मैनेजर को जो है वो चाहिए कि वो एम्प्लॉयज की जो है वो नीड को क्या करे, पूरा करे। अगर एम्प्लॉयज की नीड को वो पूरा कर देगा तो वो मोटिवेट होकर काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे तरीके से अचीव हो सकते हैं। ठीक है, अब थ्योरी आई मोटिवेशन की। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले जो थ्योरी है वो है आपका मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए एक एम्प्लॉयज की नीड को, ठीक है, और एम्प्लॉय की जो नीड होती है ना, आप उनको धीरे धीरे करके अगर उनको मोटिवेट करोगे, अगर वो नीड पूरी होती रहेंगी तो वो मोटिवेट होते रहेंगे। तो सबसे पहला है, अगर मान लो आपका ये फिजियोलॉजिकल नीड्स जो शारीरिक नीड है, अब अगर मान लो एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा भूखा है तो आप उसको गाड़ी देके जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको खाना देके जो है वो क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो बोलता है बिहेवियर जो है इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो डिटरमाइन करती है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट नीड कौन सी है। ठीक है ना, तो साइकोलॉजिस्ट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इट्स साइकोलॉजिस्ट ने क्लेम किया कि नीड हैव ए सर्टेन प्रायोरिटी, और उनकी प्रायोरिटी के बेस पर ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी नीड की किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। अब मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर टोटल मिला के जो है वो नीड को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सब हो गया। इसके बाद आएगा जी आपका सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड के अंदर जैसे सिक्योरिटी वाला हो गया। सोशल नीड, लोग जो है वो क्या सोशलाइज होना चाहते हैं, ठीक है, तो लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन हो आपका, ये सोशल नीड हो गया। एस्टीम नीड मतलब आप ये चाहते हो कि लोग आपकी जो है रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया ये। एंड सेल्फ एक्टिवेशन नीड, जो आप प्राप्त करना चाहते हो अगर आपने वो अचीव कर लिया तो इसको बोलते हैं सेल्फ एक्टिवेशन नीड। इनका पूरा हायरार्की बनता है, सबसे पहले आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स का, फिर आएगा सिक्योरिटी, फिर आएगा सोशल, सोशल के बाद एस्टीम, और लास्ट में आएगा कौन सा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप उनकी नीड पहचान के कि भाई अभी कौन सी नीड है उसको पूरा करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। सेकंड आएगा हर्ज़बर्ग का मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ये इसने जो है वो दो फैक्टर जो है वो प्रोवाइड किया, तो इसने मोटिवेशन फैक्टर को दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। एक है जी आपके हाइजीन फैक्टर और एक है आपके कौन से मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या है, हाइजीन फैक्टर को बोलते हैं डिससेटिस्फायर, मतलब इनको मेंटेन करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ये वो फैक्टर है, अगर ये कंपनी के अंदर है, अगर ये है तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो एक पर्सन क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। मतलब हाइजीन फैक्टर जो आपको मेंटेन करना जरूरी है, इनसे एक पर्सन मोटिवेट नहीं होगा, ध्यान देना। हाइजीन फैक्टर से, अगर हाइजीन फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो एक पर्सन मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं है तो वो पर्सन डीमोटिवेट जरूर हो जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं, तो ये फैक्टर आपको जो है बता रखें, लाइक आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया सुपीरियर के साथ, सुपरवाइजर के साथ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अ पीयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अ सबॉर्डिनेट, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, ये सब हो गया। तो हाइजीन फैक्टर मतलब इनको इनको बोलते हैं हम लोग क्या, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। इनको मेंटेन करना जो है वो क्या है, जरूरी है। अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक पर्सन मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो एक पर्सन डीमोटिवेट जरूर हो जाएगा। दूसरे फैक्टर जो है वो आपके मोटिवेशन फैक्टर, इनको बोलते हैं सेटिस्फायर। सेटिस्फायर का मतलब ये हो गया कि ये सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और अगर अगर ये फैक्टर नहीं है तो एक पर्सन जो है वो आपका डिससेटिस्फाई नहीं होगा। तो मोटिवेशन फैक्टर जो है इनको सेटिस्फायर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर है अगर, तो ये क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर ये नहीं है तो एक पर्सन जो है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज विल नॉट अफेक्ट देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो इनको ये है, हर्ज़बर्ग ने जो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के अंदर दो फैक्टर दिए, मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा कौन सा, हाइजीन फैक्टर। इसके बाद है अगला मैकलन नीड थ्योरी। मैकलन नीड थ्योरी के अंदर नीड को जो है वो 3 पार्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बोलता है कि एक पर्सन को जो है वो 3 तरह की नीड चाहिए होती है। एक है पावर मोटिव, पावर मोटिव मतलब पावर नीड उसको चाहिए ताकि वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। एक है एफिलिएशन मोटिव, ये बोलता है कि एक पर्सन जो है वो चाहता है कि वो लोगों के साथ में जो है मिलजुल कर रहे, तो सोशल बीइंग एंड मोस्ट इंडिविजुअल लाइक टू इंटरेक्ट एंड बी विद अदर्स इन सिचुएशन वेयर दे फील देयर बिलोंग एंड आर एक्सेप्टेड। और एक अचीवमेंट नीड, अचीवमेंट नीड के अंदर एक पर्सन जो है वो क्या करना चाहता है, वो अपने जॉब को बढ़िया तरीके से काम करना चाहता है ताकि वो उसको एक अचीवमेंट जो है वो रिलाइज हो, मतलब अचीवमेंट प्राप्ति के इच्छुक लोग जो है वो बढ़िया तरीके से अपने जॉब को परफॉर्म करके और क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। तो कैक्स के तौर पे ये है कि ये जो 3 नीड में से लोग जो है नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर पावर से जो है ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और आपको यही करना चाहिए, एक मैनेजर को जो है वो नीड फॉर मोटिवेशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर पावर जो है इनके ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, और एम्प्लॉयज की नीड को पूरा करके लोगों को मोटिवेट
करना चाहिए। इसके बाद है एल्टरफोर का ईआरजी थ्योरी। ये बोलता है कि नीड को जो है डिफरेंट कैटेगरी में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। एक है आपका एग्जिस्टेंस नीड, जो आपका मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी थी ना, उसमें जो पांच नीड था उन्हीं को इसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आपका एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत है क्या क्या है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी। रिलेटेडनेस के लिए क्या जरूरी है, रिलेशनशिप मेंटेन करना, मतलब सोशल नीड्स हो गया। और ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, सेल्फ एक्टिवेशन और सेल्फ एस्टीम हो गया। इसके बाद अगला जो थ्योरी है वो है व्रूम का एक्सपेक्टेंसी मॉडल। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलते हैं, ये बोलता है लोग जो है एक गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड तब होंगे जब उनको ये लगे कि गोल जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो जानते हो कि वो जो काम करेंगे, ठीक है, मतलब वो जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो उससे वो गोल क्या होगा, पूरा होगा। मतलब व्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल ये बोलता है कि लोग मोटिवेटेड तभी होंगे जब उनको ये हो, मतलब एक पर्सन जो है वो गोल को अचीव करने का प्रयास तभी करेगा जब उसको पहले तो ये हो कि भाई गोल इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसको ये लगे कि यार ये गोल तो इंपॉर्टेंट है और इस गोल के पूरा करने के लिए अगर मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो उससे वो गोल पूरा हो जाएगा, तो ही वो लोग जो है वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बोलता है मोटिवेशन डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक है वैलेंस और एक है एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस को बोलता है प्रायोरिटी और एक्सपेक्टेंसी को बोलता है रिजल्ट एक्सपेक्टेंसी। चलो जी आगे। इसके बाद है जी आपका पोर्टर लॉयर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। पोर्टर लॉयर मॉडल ऑफ मोटिवेशन जो है वो ये बोलता है कि एम्प्लॉई जो है वो क्या करेगा, एम्प्लॉय सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, काम को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाएगा, एफर्ट्स के बेस पर उसकी परफॉर्मेंस आएगी, परफॉर्मेंस के बेस पर उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड मिलेगा तो उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो मोटिवेटेड हो जाएगा। इसके बाद इक्विटी थ्योरी ये बोलता है कि आप जो है वो क्या करें, आपने अगर लोगों को मोटिवेट करना है तो आप जो है वो इक्विटी मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। अब इक्विटी मेंटेन करने का मतलब ये है बेसिकली कि आप जो है वो क्या करेंगे कि लोगों को इक्वल पे जो है वो प्रोवाइड करें, अगर एफर्ट सेम है तो लोगों को इक्वल पे डिवाइड जो है वो प्रोवाइड करें, टाइम टू टाइम जो है प्रमोशन करें, एजुकेशन में उनको रिकॉग्निशन जो है प्रोवाइड करें, एक्सपीरियंस जो है अगर वो एक्सपीरियंस है तो आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर ट्रेन पर्सन है तो पर्सनल डेवलपमेंट करें, आइडियाज वीडियोज उनके पास है तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करें, ठीक है, और एक फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी उनको क्या करें, प्रोवाइड करें। तो इक्विटी थ्योरी बेसिकली ये बोलती है कि एक मैनेजर को जो है वो क्या करना चाहिए, वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो इक्विटी मेंटेन करनी चाहिए अपनी एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद आएगा जी इक्विटी थ्योरी के बाद में है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि आपको दोनों चीज को, कैरेट और स्टिक दोनों का जो है वो यूज करना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई एम्प्लॉई जो अच्छे तरीके से काम करे तो आपको उसको कैरेट देनी चाहिए, और अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो गलत तरीके से काम करे तो आपको उसको जो है वो पनिश भी करना चाहिए। तो मतलब हमेशा ही जो है वो एक तरीके से आप बिहेव नहीं करेंगे, आप सिचुएशन देखोगे बढ़िया काम कर रहा है तो आप उसको जो है वो रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करोगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक किसी कोई भी तरीके का रिवॉर्ड दोगे, और अगर वो बेकार काम कर रहा है तो आप उसको जो है वो पनिश भी करोगे, ठीक है, इस तरीके से आप उसको मोटिवेट करोगे। और अगर आप कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को लेकर चलोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, उसको पता है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरी पिटाई भी हो सकती है, और मैं बढ़िया काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसके बाद अगला है मैकग्रेगर का थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। इसमें क्या किया, लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया। थ्योरी एक्स के अंदर वो लोग आएंगे जिनसे फोर्सफुली काम करवाना पड़ता है, इसके अंदर लोग हैं वो आलसी नेचर के होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आलसी नेचर के हैं उनको आपको बारी बारी टोकना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा, उन सभी लोगों को डाल दिया थ्योरी एक्स के अंदर, ठीक है। तो जिनसे फोर्सफुली आपको काम करवाना पड़ता है दे आर इंक्लूडेड इन द थ्योरी एक्स में। और इसमें जो लोग आएंगे वो क्या, लैक ऑफ एम्बिशन है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और शुरू से जो है रेसिस्टेंट टू चेंज होते हैं, मतलब कोई भी आप चेंज लाओगे तो हमेशा उसके लिए वो क्या करेंगे, मना करेंगे। और थ्योरी वाई के अंदर तो मतलब आपको मोटिवेशन एफर्ट इनके ऊपर ज्यादा लगाने पड़ेंगे थ्योरी एक्स वालों पे, क्योंकि वो पहले से सुस्त बैठे हैं तो उनको ज्यादा मोटिवेट करके उनसे काम करवाना पड़ेगा। और थ्योरी वाई के लोग कौन से होते हैं, थ्योरी वाई के अंदर वो लोग आएंगे, ये पर्सन काम करना चाहते हैं प्रोवाइडेड कि आप इनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जो है वो क्या करें, प्रोवाइड करें। तो अगर आप इनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे इतने में वो मोटिवेट हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे काम करेंगे। तो ये था थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। फिर विलियम आउची ने एक थ्योरी दिया, उसका नाम है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड जो है वो एक जैपनीज मैनेजमेंट के लिए आया, और थ्योरी जेड जो है वो ये बोलती है कि एक पर्सन जो है वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से जो है वो मोटिवेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो अगर लेकिन वो क्या होगा, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट का माहौल बना के चलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज में, ठीक है, एम्प्लॉइज का भी डिसीजन मेकिंग में अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है, कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, और अगर ह्यूमन बींग्स में आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एक एम्प्लॉई जो है वो हमेशा क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। तो सिर्फ पैसा ही एक पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये चीज से जो है वो एक पर्सन क्या रहेगा, ज्यादा मोटिवेटेड रहता है। और जो आखिरी अप्रोच है वो है कंटिजेंसी अप्रोच। ये बोलता है कि सभी थ्योरी आपने पढ़ ली है, अब किस थ्योरी को कहां पे लगाना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज हैं, और कौन सी थ्योरी, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो हर सिचुएशन के अंदर बढ़िया जो है वो रोल प्ले करे। आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा, सिचुएशन को एनालाइज करके फिर मैनेजर को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी थ्योरी से जो है वो उस कौन सी थ्योरी के आउटकम्स को यूज करना चाहिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। ये है आपका कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ मोटिवेशन।
इसके बाद अगला चैप्टर है जी आपका लीडरशिप का। लीडरशिप का मतलब जो है वो क्या होता है, लोगों को जो है वो क्या करना, इन्फ्लुएंस करना। लीडरशिप के अंदर आप जो है एज ए लीडर के तौर पे आप लोगों को क्या करोगे, लीड करोगे, और जो जो आपके फॉलोवर्स होंगे आप उनको क्या करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे आप उन, और उनसे अच्छे काम करवाने का जो है वो काम करोगे। मतलब ये है कि जो आप काम आप उनको इस तरीके से लीड करोगे कि जो आप उनसे करवाना चाहो वो वही काम को करें, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीडरशिप। ठीक है, तो काम करवाने के देखो जनरली दो तरीके हैं, या तो एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल ऑर्डर दे करके काम करवाओ, उनको धमका के काम करवाओ, और दूसरा ये है कि आप उनका सपोर्ट से, अगर आप ऑर्डर देकर काम करवाओ तो कुछ ही समय तक करवा सकते हो, लेकिन सपोर्ट से करोगे तो फिर आप वो लंबे समय तक आप उनसे काम करवा सकते हो। और सपोर्ट से करना है तो उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज जो होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्या है, पहले तो ये लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं और सपोर्ट करते हैं अदर्स को टू वर्क एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है तो हम लोगों को जो है वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो बढ़िया तरीके से काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। लीडरशिप जो है वो, अब इसके कुछ डेफिनेशंस के बेस पर जो है वो कुछ फीचर है। लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वन शॉट एक्टिविटी नहीं, आपको लोगों को लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा। लीडरशिप में भी सीन इन द टर्म्स रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोवर, ठीक है। एक कॉमन गोल, दोनों का मेन उद्देश्य है मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ठीक है। तो लीडर और फॉलोवर इनमें रिलेशनशिप रहेगा। फिर लीडरशिप के बेस पर आप जो है वो क्या करोगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, यस। द फॉलोवर वर्क विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टू अचीव दिस गोल। लीडरशिप गिव्स एन एक्सपीरियंस टू हेल्प टू फॉलोवर टू अटेन द कॉमन गोल, एंड लीडरशिप इज एक्सरसाइज इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड अंडर द स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। आगे एक होता है फॉर्मल लीडर, एक है इनफॉर्मल। अगर मान लो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर अगर आपको कोई पावर मिलती है और आप लोगों को लीड करें तो आप क्या हो गए, फॉर्मल लीडर। और एक होता है आपके इनफॉर्मल, जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे भी कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल कैपेसिटी के बेस पर जो है वो लीडर बन जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफॉर्मल लीडर। तो एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लेना। तो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप जो होते हैं तो वहां पर भी आपको लीडर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लीडर रहेंगे ना, मतलब लोग जो है आपस में मिलकर उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफॉर्मल लीडर। दे आर नोन एज अ नेचुरल लीडर, उनके अंदर अंदर कोई क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटी के बेस पर उनको जो है लीडरशिप की जो कैपेसिटी या फिर लीडरशिप की जो रोल उनको दिया जाता है। वही अगर बात करेंगे फॉर्मल का, तो फॉर्मल के अंदर आपको लीडरशिप का रोल मिलेगा ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के बेस पर आपको जो है वो लीडरशिप का रोल मिल जाता है। आगे इंपोर्टेंस क्या है लीडरशिप का, अगर आप लीडरशिप प्रॉपर लीडरशिप को मेंटेन करते हो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करोगे, फिर उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करोगे और उनके मोरल को जो है वो बूस्टअप कर दोगे, ताकि वो अच्छे तरीके से और भी काम करेंगे। आगे लीडरशिप की थ्योरीज की बात करते हैं, थ्योरीज के नाम से सबसे पहले आपके पास में जो है चार थ्योरी आ रही है, फिर आएगा लीडरशिप के स्टाइल। थ्योरी के नाम पे चार थ्योरी, सबसे पहले कौन सा, करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी ये बोलती है कि लीडर्स जो है वो इनबोर्न क्वालिटी होती है, मतलब लीडर जो वही लोग लीडर होंगे जिनके अंदर कोई करिश्माई पावर है या फिर आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनके अंदर। तो मतलब लीडरशिप जो है वो क्या है, इनबोर्न क्वालिटी है, लोगों के अंदर जो इनबोर्न क्वालिटी है वही लोग जो है वो लीड कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आ गया जी आपका ट्रेड थ्योरी, ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि लीडर हमेशा ही जो है वो इनबोर्न क्वालिटी, मतलब एक पर्सन जो अच्छे तरीके से लीड तभी करेगा अगर उसके अंदर इनबोर्न क्वालिटीज हो, वो सीख भी सकता है, तो क्वालिटीज को जो है वो गेन भी किया जा सकता है। तो ये बोलता है कि ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि लीडरशिप ट्रेड आर नॉट कंप्लीटली इनबोर्न, बट उनको एक्वायर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तीसरी थ्योरी जो है वो क्या, अच्छा ये देख लेना थोड़ा सा, ये कुछ इनेट क्वालिटीज होती है जो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होनी चाहिए, क्या, फिजिकल फीचर, फिजिकली फिट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंट के अंदर ये आ गया इमोशनल स्टेबिलिटी, ह्यूमन रिलेशन, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग स्किल्स, और आपका ये टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, कम्युनिकेशन की स्किल आनी चाहिए एंड द सोशल स्किल। फिर तीसरा है आपका बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि आपको, आप कैसे लीड करेंगे, अगर आप हमेशा आदर्श व्यवहार करेंगे तो लोग जो है अपने आप ही क्या क्या होंगे, आपकी बात को मानना शुरू करेंगे। मतलब अगर आप खुद से, ऐसा बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, डेट मीन्स कि अगर सुधार करना है तो पहले खुद से करो। तो जिस तरीके का आप खुद बिहेवियर को क्या करोगे, ऑप्ट करोगे, तो आपका जो रोल बिहेवियर है उसके बेस पर लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और फिर है सिचुएशन, सिचुएशन ये बोलता है, सिचुएशन शिप, सिचुएशनल लीडरशिप ये बोलता है कि सिचुएशन जो एक पर्सन को क्या बनाती है, लीडर बनाती है। एक कंसर्न सिचुएशन के अंदर एक पर्सन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको जो है वो लीडर बनाने का काम करती है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, अभी सिचुएशन फैक्टर तो नॉर्मल है। अब आएगा लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल के नाम पे आपके पास में टोटल मिला के जो है वो नो स्टाइल है। एक आएगा सबसे पहले पावर ओरिएंटेशन। पावर ओरिएंटेशन जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है आपके, आप लीड कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि
कितने डिग्री ऑफ अथॉरिटी आप जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके से आएगा। एक है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या होगा, आप सारा डिसीजन खुद ही लोगे, लोगों से पूछोगे भी नहीं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अंदर आप क्या करोगे, लोगों से आप पूछोगे, ठीक है, आप ये है कि उनसे आप पूछ लोगे, ठीक है, और पूछकर फिर आप डिसाइड करोगे। और एक है फ्री रेंज, इसके अंदर आप जो है वो पूरा का पूरा क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग पावर लोगों को सौंप देते हो। तो ऑटोक्रेटिक के अंदर एक ये आ गया ना स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट में तो क्या हो गया, आप लोगों को बोलोगे तुम कर नहीं सकते, ठीक है, लोगों को नेगेटिवली मोटिवेट करके उनको जो है वो क्या करो, लीड करोगे। बेनिफिलेंट के अंदर जो है आप पॉजिटिव अप्रोच को यूज करोगे। और इनकम्पिटेंट ऑटोक्रेटिक के अंदर आप जो है अपनी इनकम्पिटेंसी को हाइड करोगे, ठीक है, अपनी पावर को ज्यादा यूज करोगे, बकवास सी चीज होती है। तो पार्टिसिपेटिव के अंदर मैंने बताया कि लीडर जो है वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा अपने सबोर्डिनेट से। कोई भी अगर उसने डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने से पहले वो अपने सबोर्डिनेट से पहले क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, और फिर क्या लेगा डिसीजन। पहले वाले में क्या था, पावर ओरिएंटेशन में, ऑटोक्रेटिक में क्या था भाई, ऑटोक्रेटिक में तो उसने पूछा ही नहीं, लोगों से पूछता ही नहीं है, बस इधर क्या कोई भी डिसीजन लेना तो खुद ही ले लेगा। लेकिन पार्टिसिपेटिव में क्या, डिसीजन तो खुद ही लेगा, लेकिन पहले उससे पहले डिसीजन लेने से पहले अपने सबोर्डिनेट से पहले क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। और तीसरा जो अप्रोच दैट इज फ्री रेंज, तो इसमें वो क्या करेगा, डिसीजन लेने की पावर पूरा का पूरा सौंप देगा किसको, अपने सबोर्डिनेट को। फिर दूसरा जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो है लीडरशिप एज ए कॉन्टिनम। ये बोलता है कि नेतृत्व जो है वो एक निरंतरता के रूप में है। मतलब ये है कि आप जो है ऑटोक्रेटिक से फ्री रेंज पे जाएंगे। मतलब ऑटोक्रेटिक के अंदर आप क्या था, बोथ सेंटर्ड लीडरशिप आप अपना रहे थे, मतलब आप किसी से पूछते नहीं थे। और फ्री रेंज में क्या है, आपने सबोर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप अपनाई है, तो आप जो है वो धीरे धीरे करके जो है अलग अलग फैक्टर्स को यूज करके या अलग अलग स्टेप्स को यूज करके आप जो है वो जाएंगे ऑटोक्रेटिक से कहां पे, फ्री रेंज के ऊपर। तो ये बोलते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी के तौर पे है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ऑटोक्रेटिक होगे, मतलब सारे डिसीजन खुद ही लोगे, लेकिन जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा आपको एम्प्लॉयज का बिहेवियर पता चलेगा और आपको लगेगा कि आप वो काम कर सकते हैं, तो वैसे वैसे जो है वो आप मूव ऑन कर जाओगे कहां पे, फ्री रेंज की तरफ। तो लीडरशिप जो है वो एक है कॉन्टिन्यूटी के तौर पर है। इसके बाद में ये सब पढ़ लेना जो मैंने कर रहा था क्लासेस के दौरान। फिर है लीकर्ट मैनेजमेंट स्टाइल। लीकर्ट मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो ये बोलता है कि भाई लीडरशिप के जो है वो चार स्टाइल होते हैं। एक होता है एक्सप्लोटेटिव, एक है बेनिवलेंट, एक है पार्टिसिपेटिव और एक कौन सा डेमोक्रेटिक। सबसे बेस्ट होता है कौन सा, डेमोक्रेटिक। एक्सप्लोटेटिव ये होता है जिसके अंदर आपका जो है वो अपने सबोर्डिनेट के ऊपर कोई भी ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। बेनिवलेंट के अंदर आप जो है वो क्या करते हो, कंडेंसिंग जो कॉन्फिडेंस आपका होता है और ट्रस्ट होता है सबोर्डिनेट के ऊपर। और पार्टिसिपेटिव के अंदर आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, सब्सटेंशियल है, लेकिन नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और लेकिन डेमोक्रेटिक के अंदर आप कंप्लीटली उनके ऊपर जो है वो क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो, आपको पता है कि वो बढ़िया तरीके से काम को संभाल लेंगे। तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो है कौन सा, डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर आप विश्वास करते हो एम्प्लॉयज के ऊपर कि हाँ ये अच्छे तरीके से काम को मैनेज कर सकता है। आगे फिर है एम्प्लॉय प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एम्प्लॉय पे ही फोकस करेंगे और प्रोडक्शन पे भी। तो एम्प्लॉयज के उत्थान पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा करने से जो ऑब्जेक्टिव वो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। और आपको प्रोडक्शन पे भी फोकस करना चाहिए, बोलते हैं एम्प्लॉय पर फोकस न करके न्यू टेक्निक पर ध्यान देना चाहिए। तो एम्प्लॉय प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो है वो दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। एक तो एम्प्लॉयज, ये बोलता है कि अगर आप ओनली एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करोगे तो आपका काम अपने आप ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज को आप हमेशा प्रमोट करोगे, ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएंगे, अजीब हो जाएंगे। और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो है ये बोलता है कि आप एम्प्लॉयज पे फोकस ना करो, आप नई नई टेक्निक खोजो, और अगर आप अच्छी अच्छी टेक्निक अगर लेके आओगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ओरिएंटेशन, इट इज द एम्प्लॉय प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। ओके, तो यहां पे ये बोला कि लो स्ट्रक्चर कंसीडरेशन, हाई स्ट्रक्चर कंसीडरेशन। तो यहां पे क्या है, लो स्ट्रक्चर कंसीडरेशन एंड हाई, ये थोड़ा देख लेना एक बार। ओके, फिर है मैनेजरियल ग्रेड। मैनेजरियल ग्रेड जो है वो टास्क बिहेवियर के ऊपर जो है वो है। अब इसके अंदर बेसिकली जो है वो दो चीजें हम लेके चले, एक है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और एक है कंसर्न फॉर, बोलो, कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल, जहां पे दोनों ही चीज कम हो, मतलब ये कैसा, मतलब ना तो आपका लोगों के ऊपर ज्यादा वो है, ना तो आप काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ना ही लोगों के ऊपर, तो वो है इंप्रोवाइज। कंट्री क्लब में क्या आएगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो कम रहेगा लेकिन लोगों के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा, मतलब लोगों में अधिकतम तथा उत्पादन में न्यूनतम दिलचस्पी रहेगी, ठीक है। और फिर एक है ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ज्यादा और कंसर्न फॉर पीपल कम, तो यहाँ पे आप काम के ऊपर फोकस ज्यादा करोगे, लोगों के ऊपर फोकस कम करोगे, ठीक है। और फिर जो मिडिल रो है, इसमें दोनों में क्या होगा, संतुलन होगा, ठीक है। और जो आपका टीम है ये 9-9-9, ये सबसे बेस्ट है, इसमें लोगों के ऊपर जो है फोकस भी ज्यादा रहेगा, मतलब आप उनका इन्वॉल्वमेंट जो है डिसीजन मेकिंग में ज्यादा लाओगे, और काम के ऊपर भी आपका जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो 9 पॉइंट स्केल्स के ऊपर इसको बनाया गया, और इसके अंदर 88 जो है वो क्या बनाएंगे, मिक्स बनाएंगे, थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद ट्राई डायमेंशनल ग्रिड है। अब इसके अंदर जो है वो ट्राई डायमेंशनल ग्रिड के अंदर टोटल मिला के जो है वो तीन वो आ जाएंगे, एक मिनट को, ये रहा।
तो इसे जो रेडिन है इससे कॉन्सेप्टलाइज किया 3D, 3 डायमेंशन ग्रिड को, जिसको 3D मैनेजमेंट भी बोला जाता है। और इसके अंदर ये आइडिया लिया उसने कहां से, मैनेजरियल ग्रिड से। ओके, अब इसके अंदर जो 3 डायमेंशन आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना, एक है टास्क ओरिएंटेशन, एक है रिलेशनशिप और एक क्या इफेक्टिवनेस। ओके, तो दो तो पहले ही था, टास्क रिलेशनशिप तो पहले ही था, अब एक और आ गया इसके अंदर 3 डायमेंशनल के अंदर, वो क्या इफेक्टिवनेस। इसके बाद है जी फिडलर का कंडेंसी मॉडल। फिडलर का कंडेंसी मॉडल जो वो क्या बोलते हैं, और बोलते हैं फिडलर का कंडेंसी मॉडल लीडरशिप है द बेसिक कंटेंशन दैट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करता है मैचिंग विद द सिचुएशन। ये बोलता है भाई सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर आपको जो डिसाइड करना चाहिए कि कैसा लीडरशिप स्टाइल आपको क्या करना है, ऑप्ट करना है। ठीक है ना, तो सिचुएशन के बेस, सिचुएशन बताएगी कि कैसा लीडरशिप स्टाइल आप क्या करोगे, ऑप्ट करोगे। ठीक है, फिर आ गई ये हर्से ब्लैंकर सिचुएशन मॉडल। ये मॉडल जो वो क्या बोलते हैं, ये दिस मॉडल टेक्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन वेरिएबल एज कंपेयर टू द फिडलर मॉडल। ओके, ये बोलता है कि दैट लीडर हैज टू मैच हिज लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सबोर्डिनेट। तो आपको यहां पे अपनी लीडरशिप स्टाइल जो है वो सबोर्डिनेट की मैच्योरिटी के बेस पर जो है वो क्या करना चाहिए, उनके साथ मैच करके आपको उनको लीड करना चाहिए। अगर सबोर्डिनेट जो है वो बच्चे किस्म के हैं तो आपको ऐसा नहीं कि बड़ों वाली बातें आप उनके साथ में करो, आपको बच्चे बनके जो है उनको क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। और अगर वो बहुत ही मैच्योर है तो आपको फिर उनके साथ बचकानी हरकतें नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो पीट भी देंगे तुमको पकड़ के कि कैसे लीडर हो तुम। ठीक है ना, तो आपको ये हर्शे ब्लैंकेट सिचुएशन मॉडल ये बोलता है कि आपको सिचुएशन देखना चाहिए और जो आपके सबोर्डिनेट है ना, आपको उन सबोर्डिनेट की मैच्योरिटी के बेस पर जो है अपना लीडरशिप स्टाइल को क्या करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। इसके बाद है जी पाथगोल मॉडल। पाथगोल मॉडल जो है सबसे बेस्ट मॉडल है। इसके अंदर आप जो है वो क्या करोगे, एक पाथ डिसाइड करोगे। ठीक है, लीडर यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा सबोर्डिनेट की नीड को, फिर गोल को एस्टैब्लिश करेगा, फिर लीडर कनेक्ट करेगा रिवॉर्ड और गोल को। ठीक है, फिर लीडर प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस एम्प्लॉय को कि वो इस पाथ से अगर वो चलेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी पूरे होंगे, तुम्हारे भी गोल अचीव हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉय बिकम सेटिस्फाइड एंड एक्सेप्ट द लीडर, फिर इफेक्टिव परफॉर्मेंस अकर होगी एंड बोथ एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन आर बेटर एबल टू रीच द गोल। तो पाथगोल मॉडल के अंदर आप ये सिचुएशन को जो है वो क्या करते हो, फेस करते हो, इस तरीके से आप जो लोगों को क्या करते हो, मोटिवेट करोगे। ठीक है, एक पाथ रहेगा पूरा। लो जी, इसके बाद आखिरी चैप्टर है, दैट इज अ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिजनेस एथिक्स जो है वो क्या है, आचार विचार या फिर बेसिकली नीति। ठीक है, तो एथिक्स का मतलब यहां पे बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होता है बिहेवियर का, कि आप जो है वो कैसा बिहेवियर परफॉर्म करोगे वो डिपेंड करेगा आपके एथिक्स के बेस पर। ठीक है, मतलब एथिक्स डिफाइन करेगा सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल अबाउट व्हाट ह्यूमन कंडक्ट ओट टू बी, क्या काम होना चाहिए, मैं किस तरीके से आपको अपने किस आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एथिक्स ये स्पेसिफाई करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्या सही है क्या रॉन्ग है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो ये चीजें जो है ये आएंगी किसके अंदर, आपके बिजनेस एथिक्स में। तो बिजनेस एथिक्स इट रेफर टू मॉरल प्रिंसिपल वी शुड गवर्न द बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एथिक्स में आएंगे वो सारे मॉरल प्रिंसिपल जो बिजनेस एक्टिविटी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, वो सब पार्ट है किसका, आपके बिजनेस एथिक्स का। जैसे आपके अंदर आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि आप कस्टमर से फेयर प्राइस जो है वो चार्ज करो, ये आपके बिजनेस मतलब एथिकल एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली। ठीक है ना, आप जो है फेयर वेट लो फॉर द मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी, प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करो, रीजनेबल प्रॉफिट आप कमाओ। ठीक है, ये फेयर ट्रीटमेंट टू द वर्कर, तो ये सब आपकी जो है वो क्या है, एथिकल एक्टिविटी है जो आप बिजनेस जो आप बिजनेस को कनेक्ट करने में लगाते हो। ओके, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, एम्प्लॉइज क्या गया, जैसे उनको जो है वो सैलरी कम पे कर रहे हो, या वर्किंग कंडीशन बेकार दे दिया, या सैलरी रोक के रख लिया उनका। ठीक है, या लैक ऑफ सेफ्टी मेजर दिया, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है टैक्सी चोरी कर लिया, स्मगलिंग किया गुड्स का, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आपने जो है वो रिश्वत इशू दे दी, ये अगेंस्ट कंज्यूमर, ये अडल्ट्रेशन कर दिया गुड्स के अंदर। ठीक है, मिलावट मिलूट कर दिया, स्पूरिस प्रोडक्ट जो है उनको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मिलावटी या बेकार सामान उनको दे दिया, सेल ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया, या सेल ऑफ द प्रोडक्ट इंजर्स टू द पब्लिक हेल्थ, या डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट एंड द फॉल्स के अंदर एडवर्टीजमेंट, या पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये सब आपकी अनएथिकल एक्टिविटी है। अब नीड क्या है बिजनेस एथिक्स का, तो ये बोलता है भाई देखो बिजनेस एथिक्स जो है कुछ लोगों, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिजनेस एथिक्स में क्या किया गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में क्या किया, पूरा किया और मतलब मैच कर दिया, और ये बोल दिया ऑर्गेनाइजेशन को गोल तो पूरा करना है लेकिन साथ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है वो भूलना नहीं है, और आपको एथिकल तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कनेक्ट करके अपने गोल को क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ पे ये बोलता है बिजनेस एथिक्स मस्ट गिवन ड्यू कंसीडरेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। भाई बिजनेस एथिक्स के ऊपर आपको जो है पूरा फोकस करना चाहिए इन फैक्टर की वजह से। पहला, फॉर एवरी मैनेजर, हर मैनेजर के लिए क्या है कि जॉब जो है वो सेंटर है लाइफ का, जॉब वैल्यू मस्ट बी हार्मनी विद द सोशल वैल्यू। और जॉब जो है वो आप जॉब भी जॉब की एक्टिविटी को आप जो है वो सोशल वैल्यू के साथ में कनेक्ट मैच करके ही पूरा करेंगे। बोलते हैं बिजनेस पार्ट है सोसाइटी का, इसलिए सोसाइटी की वेलबींग के ऊपर फोकस करना चाहिए। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेल टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोसाइटी, तो फिर सोसाइटी के अंदर उसकी इमेज खत्म हो जाएगी और वो कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ ट्रस्टी, मैनेजर को जो है वो काम दिया गया एज अ ट्रस्टी का, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, सोसाइटी का लगा हुआ है। वेरियस लॉ जो है वो भी ये बोलते हैं कि आपको हर कंपनी को जो है वो एथिक्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आगे
फिर है कोड ऑफ एथिक्स एडोप्टेड बाय द पीएचटी चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आगे डिटर्मिनेंट्स क्या है बिजनेस एथिक्स के, भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो आपके बिजनेस के एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल फैक्टर। तो सोसाइटी के कुछ बिजनेस जो है वो ऑपरेट होता है कहाँ पे, सोसाइटी में, तो सोसाइटी के कुछ फैक्टर हैं जो ये बोलते हैं कि आपको एथिकल तरीके से जो है वो वर्क करना चाहिए। कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, या कल्चर जो है वो क्या जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या होता है पास ऑन किया जाता है, ठीक है, और उसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होता है। तो जिस कल्चर में आप रह रहे हैं उन कल्चर को भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कुछ आपके पर्सनल वैल्यूज होती हैं, कुछ पॉलिटिकल लीगल फैक्टर हैं जिनको अपने को फॉलो करना होता है। इंडस्ट्री के भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको पूरा करना होता है, प्रोफेशनल कोड्स भी जो है वो जारी किए गए हैं उनको पूरा करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ फैक्टर हैं। ये सारे फैक्टर को अपने को जो है पूरा करना है, इसीलिए हम लोग जो है वो एथिकल एक्टिविटीज को ही कंडक्ट करते हैं। एथिक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट प्रेशर करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं, क्रेडिबिलिटी, अपने को जो है वो विश्वसनीयता अगर मेंटेन करके चलनी है तो आपको एथिकल एक्टिविटीज को कनेक्ट करना पड़ेगा। मोरली, नैतिक रूप से भी आप जो है वो क्या करते हो, एथिक्स को फॉलो करते हो, एंड लीगल प्रेशर भी आता है आपके ऊपर, इसलिए आपको जो है वो एथिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट करना पड़ता है। फिर एथिकल डिलेमा जो है वो क्या बोलते हैं, असमंजस आ जाना, जब आप जो है वो एक दुविधा में फंस जाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, इस दुविधा में फंस जाना, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा के अंदर बेसिकली आप जो है वो टफेस्ट जो चॉइस होती है वो होती है राइट वर्सेस राइट, दो चीजें दोनों ही सही है लेकिन आप अब वहां पर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी चीज ज्यादा सही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एथिकल डिलेमा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वैल्यू कन्फ्यूशन आ जाती है, ठीक है, और रियल जो अल्टरनेटिव है इक्वली जस्टिफाइबल है, मतलब जो है वो आप जज नहीं कर पा रहे हो, दोनों जो है इनडिफरेंट हो गए वहां पे कि कौन से पाथ को हम क्या करें सिलेक्ट करें, एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑन द स्टेक होल्डर इन द सिचुएशन, इसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा मतलब असमंजस की स्थिति या कश्मकश की स्थिति जो है वो पैदा हो जाना, उसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। ओके, कैसे रिजोल्व करोगे डिलेमा को, तो रिजोल्व करने के लिए आप पहले सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको करेक्टली डिफाइन करो, फिर डिटरमाइन करो पीपल हु विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन। आप ये देखो कि ये अगर ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ये, फिर आप अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बनाओगे, मतलब अगर ये डिसीजन लेता हूं तो उससे लोगों के ऊपर कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, फिर आप देखो कि कैसे इवेंट हैपन होगा, टेस्ट करो राइट वर्सेस रॉन्ग इशू को, टेस्ट करो राइट वर्सेस राइट पैराडाइम को, एंड अप्लाई करो थ्री अप्रोच टू रिजोल्व द डिलेमा। इसके बाद सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर मैनेजर की जो है वो सोसाइटी को लेकर के भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि सोसाइटी ने जो है वो हम लोगों के क्या क्या प्रोवाइड किया, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, तो सोसाइटी के प्रति भी जो अपनी जो है वो क्या है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अपना अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबसे पहला है आपका शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कि आप जो है उनके राइट को क्या करोगे प्रोटेक्ट करोगे। वर्कर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो क्या करोगे प्रोवाइड करोगे, अच्छा उनको जो है वो जो भी उनकी कंसर्न जॉब के हिसाब से जो भी उनका सैलरी बनता है वो हमको क्या करोगे पे करोगे, मतलब फेयर वेजेस जो है वो पे करोगे, रीजनेबल वेजेस आप उनको पे करोगे। कस्टमर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो फेयर प्राइस जो है उनसे चार्ज करोगे, रीजनेबल प्राइस चार्ज करोगे, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करोगे, गुड्स और का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया तरीके से आप जो है वो करोगे, ठीक है। क्रेडिटर्स के लिए या सप्लायर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि एक हेल्दी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप आप उन जो है वो क्या करोगे बना के रखोगे, ओके, और सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाओगे, टाइमली बेसिस पे जो है वो पेमेंट करते रहोगे। गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को कभी तोड़ोगे नहीं, टाइमली बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करोगे, और पब्लिक सर्वेंट को जो है वो करप्शन के अंदर वो अगर वो एंगेज है तो आप गवर्नमेंट को बताओगे और उनको ब्राइब नहीं दोगे। सोसाइटी के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फेयर बिजनेस पॉलिसीज को क्या करोगे ऑप्ट करोगे, ठीक है, प्रॉपर रोल सिविक अफेयर में प्रॉपर रोल जो है मेंटेन करोगे, प्रोवाइड करोगे, प्रमोट करोगे जनरल अमेनिटीज को। इट शुड सेट एग्जांपल फॉर अदर अबाउट हाउ डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी टेकन फॉर द सोसाइटी, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आप कैसे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑपरेशनलाइज करोगे, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है तो उसको पूरा करने के लिए सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट का साथ देना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट अगर साथ नहीं देगी तो आप कभी भी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट का साथ नहीं है। दूसरा, ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पॉलिसीज बना करके उनका फॉर्मुलेट करो, उस पर उसको इंप्लीमेंट करो, करके आप जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनलाइज करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, परफॉर्मेंस को मेजर करके आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हो। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कंपनी को किस तरीके से अपने को क्या करना है, गवर्न करना है, उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे करना है, कंपनी कैसे काम करेगी, उसके लिए कोड जो है वो जारी किया जाता है। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है बेसिकली कि कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई जाती हैं। तो बताएगा ये कंपोजिशन बोर्ड डायरेक्टर भी, बोर्ड के अंदर जो कितने डायरेक्टर होंगे, कितने इंडिपेंडेंट होंगे, कितने डिपेंडेंट होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को जो टाइमली बेसिस पे आप क्या करोगे डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो क्या करोगे, जो भी आप जब मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब मैनेजमेंट जो काम करेगी वो कैसे करेगी, ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन करके चलेगी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी। इसका मतलब जो पर्सन जिस काम रिस्पॉन्सिबल है आप उसको उसके लिए दोषी भी ठहराओगे।
ओके, तो इस तरीके से आप जो है वो कंपनी को क्या करोगे, गवर्न करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी सर, तो हमने आज की क्लास के अंदर जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट किया, और मैनेजमेंट को हमने किया है थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे, 6 चैप्टर्स के कंप्लीट हो गए। तो मैनेजमेंट वाले बच्चे भी और कॉमर्स वाले बच्चे दोनों आप इसको कंप्लीटली आप कीजिए। ओके, तो आपका ये आप कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी तैयारी और भी अच्छी। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।